तो आज जनरल प्लेन मोशन वाला टॉपिक करोगे आप, ठीक है। अभी तक रोटेशनल मोशन तो हो गया, रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस जो अभी तक कर रहे थे उसमें, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जनरल मोशन का मतलब, जनरल प्लेन मोशन का मतलब क्या होता है, और एक ये इलस्ट्रेशन है, ये इलस्ट्रेशन कई बार हम लोगों ने खुद भी कर रखा है। तो जनरल मोशन का मतलब बेसिकली, जिसको आप ये कह सकते हो कि ट्रांसलेटरी और रोटेशनल का कॉम्बिनेशन, दोनों मिला करके चल रहे हैं वो, तो कंसिस्ट ऑफ, ध्यान सुनना इसमें कह रहे हैं, कंसिस्ट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास का कोई एक वेल डिफाइंड पाथ, ट्रांसलेटरी मोशन, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, और ऑब्जेक्ट अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता हुआ दिखे आपको, मतलब सेंटर ऑफ मास मूव करे किसी ट्रेजेक्ट्री के ऊपर, उसका अपना कोई पाथ, और उस सेंटर ऑफ मास के मूव करने के साथ साथ सेंटर ऑफ मास के अराउंड बॉडी रोटेट करे, जिसको आप स्पिन भी कह सकते हो कि बॉडी स्पिन कर रही है। जिसका एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ये है कि अगर आप एक रॉड को थ्रो कर दो, एक सिंपल रॉड पकड़ करके फेंको, तो वो हवा में किस तरीके से मोशन करता है, वो एग्जाम्पल है जनरल प्लेन मोशन का। कि अगर हम एक रॉड पकड़े कोई भी, और पेन वगैरह कुछ भी, एक पेन पकड़ करके पेन को आप फेंक दे बस ऐसे हवा में, तो पेन को जब आप हवा में फेंकोगे तो आप क्लियरली ये देख सकते हो कि पेन जो होता है वो अपनी सेंटर के अबाउट रोटेट करता हुआ फिर आगे बढ़ेगा, और उसका जो सेंटर ऑफ मास है पेन का या रॉड का या स्टिक, जो भी एक ऑब्जेक्ट लो, उसका सेंटर ऑफ मास एक वेल डिफाइंड पैराबोलिक पाथ पर, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास के साथ साथ बॉडी उसके अबाउट रोटेट भी कर रही है, मतलब ऑब्जेक्ट अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट स्पिन करता हुआ और तब आगे बढ़ रहा है। इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं जनरल प्लेन मोशन में। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है कि ये एग्जाम्पल आप घर पे कर सकते हैं, कोई खराब पेन पड़ा उसको फेंक के देख लो, अगर वो आपको ऐसा मोशन करता हुआ ना दिखे तो फिर आप बताओ कि नहीं वो जनरल मोशन नहीं कर रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आप पेन को फेंकोगे और पेन को जिस एंगल पर रख करके फेंका है, पेन हमेशा अपने पैरेलल रहेगा, पेन हमेशा अपने पैरेलल ही मूव करे, ऐसा तो कभी नहीं होगा। आप ट्राई करके देखो इसको, वो आगे भी बढ़ेगा और प्लस साथ साथ वो टर्न करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा। इस बात पर आप लोग एग्री करते हो कि अगर हम पेन को फेंकेंगे तो इस तरीके के मोशन आएंगे उसके, या किसी को डाउट है इसमें, जिनको बताए? बोलो बच्चा लोग, ये सर अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास होगा तब तो नहीं होगा ना ऐसा, लेकिन वो बहुत नहीं, नहीं, लेयर की। मैं थ्योरी की बातें नहीं कर रहा हूँ, आप फेंक के देखो। एक बच्चे ने लिखा है कि हाँ मम्मी लोग का बेलन ऐसे ही होता, मम्मी जब बेलन फेंक के मारती हैं तो बेलन का मोशन ऐसा ही होता है। हाँ ठीक है, सही एग्जाम्पल लिया इन्होंने, मार बड़ी खाई रखता तुम लोगों ने बेलन से। बेलन से मार तो पापा लोग खाते हैं यार, तुम लोग बच्चे लोग कहाँ खाते हैं? अच्छा चप्पल भी, अच्छा एक और एग्जाम्पल है, चप्पल भी ऐसी आती है। हाँ देखो कितने, मतलब चप्पल वाला, चप्पल चलती है। हाँ हाँ ठीक है, इंडियन पेरेंट्स हम लोग तो यही चप्पल ही मारते हैं और क्या। एनीवे बच्चा तो ध्यान दो, इसी को जनरल मोशन कह रहे हैं। बड़ा सिंपल लाइन है, लेकिन ये लाइन कड़ी भी इंपॉर्टेंट है भी समझने के लिए आपको, कि व्हाट इज जनरल मोशन। तो जनरल मोशन मतलब वेयर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्पेसिफिक पाथ अलोंग अ स्पेसिफिक पाथ विच इन दिस केस इज अ पैराबोला एंड द होल ऑब्जेक्ट रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ मास विद सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये दो आप कह सकते हो कि इस केस में इसको हम जनरलाइज मोशन कह सकते हैं, सेंटर ऑफ मास की अपनी वेलोसिटी और उसके अबाउट बॉडी का रोटेशन। तो यही चीज लिखी है इस क्वेश्चन में कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द थ्रोन रिजिड रॉड फॉलोज अ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री व्हाइल द रॉड रोटेट्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास, जैसे अभी मैंने बोला आपको। लेकिन इस क्वेश्चन में एक्चुअली जब आपने रॉड को हवा में फेंक दिया तो यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी तरीके की कोई लिमिटेशंस नहीं है। रॉड का पॉइंट ए, रॉड का सेंटर पॉइंट, रॉड का बी पॉइंट, अगर आप ध्यान से देखो तो पॉइंट ए की ट्रेजेक्ट्री पैराबोला नहीं है। पॉइंट ए का अगर आप अलग अलग मोमेंट पर पॉइंट ए को आप चेक करो तो पॉइंट ए का पाथ बड़ा ही रैंडम तरीके का पाथ है। अगर हम पॉइंट ए को डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट्स पर मिला दें, इनको आपस में कनेक्ट करें, तो ये एक बड़ा ही इररेगुलर सा पाथ है, इसको हम पैराबोला नहीं कह सकते। यानी कि ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास का तो एक वेल डिफाइंड पाथ है, बाकी सारे पाथ उसके सिमिलर पाथ रही है,
वो कुछ अलग ही पाथ फॉलो कर रहे हैं। पॉइंट बी का पाथ चेक करोगे, पॉइंट बी का पाथ अपना कुछ अलग स्टाइल में बन रहा, वो अपने स्टाइल से चल रहा है, पॉइंट बी का मोशन अपने तरीके से हो रहा है। यानी कि हर पॉइंट इंडिपेंडेंट है, हर पॉइंट अपना अलग अलग तरीके से मूव करने के लिए फ्री है, किसी के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है कि अगर सेंटर पैराबोलिक पे जाएगा तो बी भी पैराबोलिक पे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर बी अपने अपने हिसाब से मोशन कर रहा है, सेंटर ऑफ मास अपने हिसाब से मोशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट का पॉइंट ए अपने हिसाब से मोशन कर रहा है। तो जब बिना किसी लिमिटेशन के बॉडी मूव करती है तो इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर किसी की ट्रेजेक्टरी के लिए। Each particle in the free space and it can move anywhere it wants. मतलब बट हाँ, physics से law apply होने चाहिए। Wants का मतलब कि मेरा मन कुछ और कर रहा है, but law of physics validate नहीं हो रहा, तो नहीं। According to physics law, हर particle free है, जिसको जैसे जाना है जाओ। मतलब कोई constraint नहीं है यहाँ पर, कोई restrictions नहीं है। फिलहाल conclusion point ये है हमारे लिए, point जो conclude करने वाला वो ये है कि general motion का मतलब आपको ध्यान रखना है आगे जनरल मोशन में। बार बार इस स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे और यही इस रोटेशनल मैकेनिक्स का हमारे लिए बेस लाइन बनेगा। सेंटर ऑफ मास का मोशन हो रहा होगा और बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही होगी, इसको जनरल मोशन का एग्जांपल देंगे। रॉड का मैंने इलस्ट्रेटिव एग्जांपल दिया है, बट हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो रोलिंग का एग्जांपल डिस्कस करेंगे, बिकॉज रोलिंग भी इसी कैटेगरी में आता है। तो बेसिकली रोलिंग, अगर हम टायर्स के व्हील की बात करें, टायर्स की बात कर लें, तो ये जो टायर्स के मोशन हैं वो बेसिकली रोलिंग में आएंगे, वो भी इसी का पार्ट है। बट रोलिंग में रेस्ट्रिक्शंस हैं, रॉड के मोशन में रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बिकॉज ये फ्री स्पेस में है, हवा में है, तो फ्री स्पेस में कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं। आप एयर में जा रहे हो तो जो मर्जी पाथ चूज करना चाहो। एरोप्लेन है, अब एरोप्लेन हवा में जिस मर्जी पाथ पे उड़ना चाहे उड़ सकता है, वहां पर कोई लिमिटेशन तो है नहीं। लेकिन अगर आप ट्रेन लेके जा रहे हो तो आपके पास रेस्ट्रिक्शन है कि आपको ट्रैक पे ही चलना पड़ेगा। आप अपनी कार लेके जा रहे हो तो आपके पास रेस्ट्रिक्शन है कि जो रोड बनी है उसी रोड पे चलोगे, लिमिटेशन है वहां पर चलने की। एरोप्लेन के पास कोई लिमिटेशन नहीं है, वो हवा में नॉर्थ जाना चाहता है नॉर्थ चला जाए, साउथ जाना चाहता है साउथ चला जाए, पायलट पे डिपेंड करता है। तो टायर हवा में नहीं चलते, टायर चलते हैं ग्राउंड के ऊपर, जिस वजह से उनके पास एक लिमिटेशन होती है कि उनका सरफेस फिक्स होता है जिसके ऊपर उनको ट्रेवल करना होता है, और उसको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट जनरल प्लेन मोशन, कंस्ट्रेंट ऑफ रोड, कि रोड पे ही चलना है आपको और रोड छोड़ नहीं सकते आप। तो इसका ही एक एग्जांपल यहाँ पर लेके चल रहे हैं। देखो मतलब ये तो खैर अभी आपको ये लिखा है कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब आप मोशन ऑफ व्हील की बात करते हो ऑन द लेवल रोड और इनक्लाइंड, लेवल रोड का मतलब बिल्कुल फ्लैट और इनक्लाइंड का मतलब किसी हिल पे चल रहे हो, अगर आप माउंटेन वगैरह पे जा रहे हो, तो वहां पर कंस्ट्रेंट मोशन है। कंस्ट्रेंट इसलिए है कि आपको एक सर्फेस के ऊपर ही रहना है, उस सर्फेस को छोड़ नहीं सकते आप, तो वो हमारे लिए कंस्ट्रेंट है यहाँ पर। और इस कंस्ट्रेंट को अभी हम मैथमेटिक्स में भी कन्वर्ट करेंगे कि सरफेस पर रहने की जो कंस्ट्रेंट है उसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाएगी। और इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो बता दें आपको क्या है। सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा व्हाट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसी सीक्वेंस में टॉपिक आगे बढ़ेंगे। उसके बाद लीनियर वेलोसिटी वी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में क्या रिश्ता होता है, वो रिलेशन पढ़ोगे आप। उसके बाद हमको ये कंसेप्ट सीखना है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है किसी स्पेसिफिक पॉइंट का, ये सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे। फ्रिक्शन फोर्स का कंसेप्ट रोलिंग में किस तरीके से यूज होगा, न्यूटन लॉ कैसे लगाएंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। काइनेटिक एनर्जी, ये थोड़ा सा सीक्वेंसिंग गड़बड़ है एक्चुअली, काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक थर्ड नंबर के पॉइंट पर जाएगा, मतलब पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद एनर्जी के कंसेप्ट हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये 6 पॉइंट्स हैं जो शायद 2 या 3 लेक्चर्स में कंप्लीट होंगे टोटल, ये सब आज ही नहीं कंप्लीट करने, टोटल 2 या 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर देंगे इसे। और संडे टेस्ट में कितना आएगा? कौन से टेस्ट में? इसमें रोलिंग नहीं आएगा संडे वाले में, बाकी आएगा। तो रोलिंग पर स्टार्ट करते हैं यार। इसमें रोलिंग में ना हमने कहा कि हमारा जो टारगेट है ऑब्जेक्टिव ये है, पहले हमको ये समझना है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कहते किसको है, तो इसको समझा रहे हैं आपको। इसमें 3 केसेस आपको बता रहा हूँ, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग 1 पॉइंट, रोलिंग विद स्किडिंग और रोलिंग विद स्लिपिंग। तो स्किडिंग, स्लिपिंग और विदाउट स्लिपिंग, इनका डिफरेंस। तो इसमें अगर आप नोटिस करें तो ये डायग्राम हम लोगों ने बनाया हुआ है जिसमें एक व्हील इंडिकेट किया है मैंने लेफ्ट साइड पर, उसमें स्पोक्स नहीं दिखाई है, मतलब व्हील में जो स्पोक्स लगी होती है साइकिल के व्हील में वो नहीं दिखाई है जानबूझ करके डायग्राम की क्लैरिटी के लिए। और हमने पी एक पॉइंट इस व्हील के ऊपर कंसिडर किया है, पॉइंट पी हमने इस व्हील के बिल्कुल टॉप पॉइंट पर कंसिडर किया है।
अब ये व्हील आगे भी बढ़ेगा और साथ में अपने सेंटर के अबाउट रोटेट भी कर रहा होगा, तो कुछ टाइम के बाद, मतलब पहला वाला फिगर अगर टाइम टी पर है तो दूसरा वाला फिगर डेल्टा टी टाइम के बाद है, जिसमें ये व्हील, मतलब इसका सेंटर, सेंटर ऑफ द व्हील, ये फॉरवर्ड शिफ्ट कर गया है बाय अ डिस्टेंस डी सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस को डी सीएम से डिनोट कर रहे हैं, और पॉइंट पी बिल्कुल जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर था, क्योंकि ये व्हील रोटेट भी कर रहा साथ में, तो पॉइंट पी अपने टॉप मोस्ट पॉइंट के कंपेयर में थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा कर चुका होगा। जिस पॉइंट पर न समझ में आए उसी पॉइंट पर आप स्टॉप कर देना मुझे, एक एक लाइन को ध्यान से समझना। मतलब अगर आप ये सोचोगे कि आप बीच में गेम खेल लो और बातें भी कर लो किसी से और फिर 5 मिनट बाद मुझसे कहोगे सर दोबारा समझा दो नेटवर्क किसकी हो गया, सॉरी मैं समझाऊंगा नहीं दोबारा। तो ऑन द स्पॉट पूछना है पूछो। सेंटर ऑफ द व्हील फॉरवर्ड आया और पॉइंट पी अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर गया बाय सम एंगल डेल्टा थीटा, तो लोकेशन ऑफ पॉइंट पी चेंज हो गया है, पॉइंट पी अब डेल्टा थीटा एंगल आगे आ गया, जिस वजह से एक आर्क लेंथ बन गया, एक आर्क लेंथ कैपिटल एस के नाम से डिनोट किया हमने एक आर्क लेंथ, और इस आर्क लेंथ को आप मैथमेटिक्स के नॉलेज से कैलकुलेट करो, तो दिस आर्क लेंथ कैन बी रिटन एज रेडियस ऑफ दिस व्हील अगर आर मान लें और जितने एंगल से वो मूव किया है यानी कि डेल्टा ऑफ थीटा इसको कह सकते हो। दो चीजें हो रही हैं, ध्यान से सुनना, दो चीजें। पहली चीज क्या हो रही है कि जो सेंटर ऑफ द व्हील है, सेंटर ऑफ द व्हील वो लीनियरली आगे बढ़ेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ पर आगे आएगा, सेंटर ऑफ द व्हील बिल्कुल सीधा आगे चलेगा, और पॉइंट पी जो उसके रिम पर है, सर्कमफ्रेंस पर है, वो पॉइंट पी अपने व्हील पर रोटेट करेगा सम एंगल डेल्टा थीटा से, जिसके करस्पॉन्डिंग एक आर्क लेंथ बनेगी वहां पर, उसको हम आर डेल्टा थीटा कहेंगे। अब अगर अगर जो लीनियर डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास ने मूव की है डी सी एम जिसको कह रहे हो आप, जितना डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास फॉरवर्ड आया है व्हील के आगे बढ़ने से, और जितना पॉइंट पी ने अपनी सर्कमफ्रेंस के अलोंग आर्क लेंथ कवर की है यानी कि आर डेल्टा थीटा, अगर ये दोनों इक्वल हुए, इनमें रिलेशंस हैं, अगर ये इक्वल हुए तो इस कंडीशन को नाम दिया जाएगा, इस कंडीशन को हम नाम देंगे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का कंडीशन। तीन केसेस पढ़ने हैं हमें, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, जिसको मैं फिर से बोल रहा हूं, एनी पॉइंट प्रेजेंट ऑन द सर्कमफ्रेंस moves along the arc, moves along the arc, and length of arc is exactly equal to the linear distance traveled by the center of the wheel. ठीक है जी, फिर से बोल रहा हूं आपको, कोई पॉइंट P अगर आप सर्कमफ्रेंस पर देखो और इस व्हील को रोटेट कर दे, तो व्हील को रोटेट करेंगे तो पॉइंट पी भी साथ साथ रोटेट करके कहीं नीचे आ जाएगा, तो रोटेशन की वजह से पॉइंट पी सर्कमफ्रेंस के अलोंग जितनी आर्क लेंथ कवर कर रहा है और सेंटर ऑफ द व्हील जितना फॉरवर्ड डिस्टेंस कवर कर रहा है, इन दो के बीच अगर इक्वेलिटी का रिलेशन चल रहा है, डिस्टेंस मूव्ड बाय सेंटर एंड आर्क लेंथ कवर्ड बाय द पॉइंट पी along the circumference, ये दोनों अगर बराबर हुए तो इस कंडीशन को आप नाम दे देना, इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, इसको नाम दे सकते हैं यहां पर। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलो आप। ये क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया, हाँ, ये क्राइटेरिया है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का। बुक्स में क्राइटेरिया रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का एक दूसरे तरीके से समझाया जाता है, वो सही अप्रोच नहीं है, आंसर वही आएगा बट अप्रोच सही नहीं है वो। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की अगर आपसे एक्चुअल डेफिनेशन पूछी जाएगी तो एक्चुअल डेफिनेशन इसकी यही कही जाती है कि द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ द व्हील एंड द आर्क लेंथ कवर्ड बाय अ पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस ड्यू टू रोटेशन ऑफ द व्हील दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब अगर आप इसको टाइम से डिवाइड कर दो, इसको टाइम से डिवाइड कर दे, तो हम वेलोसिटीज में रिलेशन निकाल सकते हैं अगर इस इक्वेशन को, हाँ, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दें। अगर शिवांशी हम ये बताएंगे नहीं, ये कंडीशन बताई जा रही है, इसका प्रूफ नहीं है, मैं कह रहा हूं इफ, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये बराबर होंगे,
अगर ये बराबर हुए तो हम कह देंगे कि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, ये कोई जरूरी नहीं कि ये दोनों बराबर हों। ऐसा भी हो सकता है कि जो डी सेंटर ऑफ मास है वो आर डेल्टा थीटा से ज्यादा है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि डी सेंटर ऑफ मास लेस हो आर डेल्टा थीटा से। तो अगर सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ज्यादा है और सर्कमफ्रेंस के अलोंग किसी पार्टिकल की आर्क लेंथ कम आ रही है, तो आप इसको बोलोगे यहां पर बॉडी स्किड कर रही है, स्किडिंग हुआ ही। और अगर सेंटर ऑफ मास कम डिस्टेंस कवर करे और आर्क लेंथ ज्यादा हो गई है, तो आप बोलोगे कि ये बॉडी स्लिप कर रही है। स्लिप करने का सिंपल वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हो कि बॉडी का जो स्पिन यानी कि रोटेशन है वो फास्ट है, बॉडी फास्टर स्पिन कर रही है और स्लो ट्रांसलेट कर रही है, मतलब वो आगे धीमे धीमे चल रही है लेकिन वो स्पिन बहुत तेजी से कर रही है, स्लो ट्रांसलेशन, तो आप कह सकते हो कि बॉडी स्लिप कर रही है। और अगर बॉडी स्पिन स्लो करे, मतलब रोटेट वो धीरे धीरे करे लेकिन वो ट्रांसलेटरी मोशन काफी फास्ट कर जाए, तो आप कह सकते हो कि वो स्किड कर रहा है। कभी कभी अचानक ब्रेक मारने पर किस टाइप का मोशन होता है आपका गाड़ी में? स्किडिंग स्किड बोलते हो ना, कि कभी आपने सुना है कि ब्रेक मारने पर किसी ने ये कहा हो कि गाड़ी स्लिप कर गई है? टेक्निकल वर्ड से स्किड करना मतलब फिसल गया, फिसलने का मतलब आपके उस पहिए के व्हील के सेंटर ने बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ली और व्हील रोटेट नहीं कर पाया उतना, रोटेशन कम हुआ, ट्रांसलेशन ज्यादा हो गया, मतलब बॉडी स्किड कर गई। और स्लिप करने वाला केस बेसिकली जब कोई व्हील किसी मड वगैरह में फंस जाती हो, मतलब कीचड़ में फंस जाती हो, आइस समझ सकते हैं, आइस पे, तो वहां पर पहिया घूमता था बहुत तेज है, आप जितना मर्जी एक्सेलेटर दबाओ पहिया घूमेगा लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो आप कहते हो कि वो स्लिप कर रहा है वहां पर। तो इसका प्रूफ नहीं है, ये कंडीशंस बताई जा रही है कि इन कंडीशंस पर हम इनको डिफाइन करते हैं। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मतलब कि बराबर होना चाहिए, ग्रेटर और लेस पर एक को आप स्किड का नाम देंगे और एक को स्लिप का नाम देंगे। अब अगर इन्हीं इक्वेशंस को आप टाइम से डिवाइड कर दो, इन इक्वेशंस को टाइम से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो हमारे पास एक रिलेशन ये भी आ सकता है कि डी सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल और राइट साइड पर आर और डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं इसको, डिस्टेंस मूव्ड बाय द सेंटर ऑफ मास, हाँ, तो डिस्टेंस बाय टाइम ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो गई, और डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी को आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करो, तो ये एक तरीके से एक रिलेशन बन जाता है कि वी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आर ओमेगा। बुक्स आपको यहाँ से स्टार्ट करेंगी, फर्क नहीं पड़ता कोई, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में कभी कभी फंस सकते हैं जब कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए, तो कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखना यार, मैं फिर बोल रहा हूँ। इसका मतलब एक चीज ये भी हुआ, अगर आपसे मैं इस बात को समझने के लिए पूछूं कि एक फुल टर्न होने पर, एक पूरा रोटेशन होने पर, एक फुल टर्न में आप बताओगे कि डी सेंटर ऑफ मास कितना होगा? 2π r। हाँ, मतलब हम देखो हमारा सिलेबस तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का ही मेन है, तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में अगर हम कहें कि एक कंप्लीट टर्न हुआ, तो ये जो पॉइंट सर्कमफ्रेंस पर है अगर ये एक पूरा रोटेशन करे, तो सर्कमफ्रेंस के अलोंग ये कितना आर्क लेंथ कवर करेगा एक फुल रोटेशन? तो सेंटर ऑफ मास उतना ही डिस्टेंस आगे बढ़ेगा, यानी कि अगर व्हील के एक रोटेशन करने में सेंटर 2πr डिस्टेंस फॉरवर्ड जाता हो, तो आप कह देना कि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, ये मतलब है इसका। अभी क्लियर हुआ इसका? यस सर, यस सर, है ना, ठीक है। तो इसी बात को आगे हम लोगों ने ऐड भी कर दिया है यहाँ पर, मतलब नोट्स भी आज बना के रखे हैं हम लोगों ने पहले से, हमारा बर्डन थोड़ा सा कम भी कर दिया है हमने, जो चीज बोलूंगा वो लिखा भी है पहले से आज। तो इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द आर्क लेंथ सबटेंडेड बाय डेल्टा थीटा, द व्हील इज रोलिंग विद आउट स्लिपिंग और स्किडिंग, और इसकी कंडीशन बन जाती है वी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आर ओमेगा। सेकंड केस हमने कहा है कि तीन केसेस पॉसिबल हैं। सेकंड केस में अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ज्यादा है आर्क लेंथ के कंपेयर में, तो स्किडिंग का केस हो गया। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कम हुआ है आर्क लेंथ से अगर, तो आप कह देना कि ये व्हील स्लिप कर रही है, तीनों केसेस होंगे। बट हम लोग एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि 95% केसेस जो होंगे वो आपके इसी रिजल्ट के ऊपर होंगे, बट 5% बाकी दोनों पे भी आते हैं। अब वो आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपका लक 5% में आता है या 95% में आता है, प्रोबेबिलिटी किस बात की है। आगे बढ़ते हैं यार,
ये नोट्स हैं, अभी समझाएंगे इसको भी। नोट्स में आपके लिए इसलिए लिखा है क्योंकि इस टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, इसलिए हमने डिटेल्ड नोट्स भी बनाए हैं। बट खुद भी नोट्स बनाना, अपने भी, मेरे नोट्स तो वहीं हैं बट अपने भी नोट्स बनाना, क्योंकि मेरी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, खुद के लिखे हुए नोट्स हैं, आप अपनी लैंग्वेज में लिखना। इसमें ये कहा गया है, देखो एक चीज बताओगे आप, इसमें जो सेंटर पॉइंट है उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या बोलोगे आप, सेंटर पॉइंट का पाथ कैसे डिफाइन करोगे? क्या वो स्ट्रेट लाइन ग्राउंड के पैरेलल नहीं है सेंटर का जो पाथ? यस सर। ओके, तो सेंटर ऑफ मास का पाथ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू द ग्राउंड, पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ जी, ये भी कह सकते हो स्लिपिंग को कि वो एक ही जगह पे ज्यादा रोटेट करेगा। सर जी ठीक है, पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ग्राउंड, तो ये स्पेसिफिक पाथ हो गया, बिल्कुल सीधा चल रहा है वो, और बाकी का जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है। यही चीज लिखी गई है यहाँ पर, वर्ड्स में लिख दी है यहाँ पर, कि जब रोलिंग हो रही होगी कहीं पर भी तो सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द स्ट्रेट पाथ, लेकिन वो सरफेस के फ्रेम में, जिस सरफेस पे वो रोल कर रहा है। जनरली जो सरफेस होता है वो ग्राउंड होता है, जनरली हम ग्राउंड के ऊपर रोल कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी हम ग्राउंड की जगह पर किसी प्लेटफॉर्म पर रोल कर सकते हैं, किसी मूविंग सरफेस के ऊपर रोल कर सकते हैं। एक ट्रक के ऊपर सिलेंडर रखा गया है तो ट्रक पे रोल करेगा, तो उसके लिए सरफेस ट्रक को माना जाएगा। तो सरफेस कैन बी ग्राउंड और सम प्लेटफॉर्म और सम प्लैंक, कुछ भी हो सकता है ये। तो जिस सरफेस पर बॉडी रखी गई है उस सरफेस के रिस्पेक्ट में सेंटर का एक स्ट्रेट पाथ, और एवरी पार्टिकल कोई सेंटर के अलावा है, एवरी पार्टिकल मतलब सेंटर के अलावा, क्योंकि सेंटर को तो आपने पहले ही कह दिया है कि वो स्ट्रेट पाथ पर है, और ट्रेजेक्ट्री की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज काइनेमेटिक्स में जो आप एक्सेलरेशंस पढ़ते हो वो ट्रेजेक्ट्री देख के ही पढ़ते हो। तो बाकी के सारे पार्टिकल्स के बारे में क्या कैरेक्टरिस्टिक दी गई है कि उनका पाथ सर्कुलर पाथ होना चाहिए, लेकिन वो किसके फ्रेम में, अगर हम फ्रेम सेंटर का यूज करें, मतलब रिलेटिव टू द सेंटर। ये दो बड़े ही स्पेसिफिक पॉइंट है, बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोटेशन सेंटर के अबाउट है और सेंटर खुद एक स्ट्रेट लाइन पाथ के ऊपर चल रहा है, और इसी वजह से रोलिंग मोशन को हम लोगों ने दो पार्ट्स में स्प्लिट करके समझ सकते हैं। मतलब कैन बी थॉट क्या बोला गया कि आप इस तरीके से सोच सकते हो, एक ट्रांसलेशन इन द ग्राउंड फ्रेम, मतलब ये बेसिकली यहां पर हम सेंटर ऑफ मास के मोशन को डिफाइन करेंगे, जो उसका सेंटर है उसका मोशन डिफाइन करने जा रहे हैं कि वो ग्राउंड के पैरेलल चलेगा, और दूसरा वाला मोशन में ये कहा जा रहा है रोटेशन वाले मोशन में कि अबाउट द सेंटर बाकी के सारे पॉइंट सर्कुलर पाथ पे चल रहे होंगे। तो जब भी अब आपसे रोलिंग कहा जाएगा तो रोलिंग का मतलब दो मोशन हो रहे हैं, एक सेंटर का और एक बाकी के पार्टिकल्स का अबाउट द सेंटर जिसमें वो रोटेट कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वी विल यूज दिस कंसेप्ट नाउ टू फाइंड द वेलोसिटी, इस कंसेप्ट को यूज करेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने के लिए, कीपिंग इन माइंड अगर है तो। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है जो बेसिकली हम ऑलरेडी काइनेमेटिक्स के चैप्टर में कवर कर चुके हैं, कि जब भी कोई पॉइंट स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगा, कोई भी पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे फॉलो करेगा तो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों बिल्कुल पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट से। ये कि जहां पर भी स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, जिसको हम वन डायमेंशन भी कहते हैं किसी भी पॉइंट के बारे में, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो होती है वो हमेशा अलोंग द लाइन होनी चाहिए। मतलब अगर बॉडी एक्स एक्सिस पर मूव कर रही है तो वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस पर होगी, एक्सेलरेशन भी एक्स एक्सिस पे ही होगा। और दूसरा पॉइंट ये भी काइनेमेटिक्स के थ्रू लिया हुआ है कि कहीं पर भी अगर कोई सर्कुलर मोशन होगा तो लीनियर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आर ओमेगा, और डायरेक्शन होती है टेंजेंट के अलोंग। और रही बात अगर एक्सेलरेशन की, तो सर्कुलर मोशन के टाइम पर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स लिखे जाते हैं, सेंट्रिपिटल वाला कंपोनेंट जिसको कैलकुलेट करोगे ओमेगा स्क्वायर आर से, डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसका एक्सप्रेशन आर इंटू अल्फा है, इसी चैप्टर में डिस्कस किया गया है, और इसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट। सो ये एक तरीके से रिविजन पॉइंट है जो हम लोगों ने ऑलरेडी काइनेमेटिक्स के चैप्टर में, चैप्टर वन जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स, तब हम लोगों ने ये सारी बातें की थी कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा
तो उसके दो एक्सेलरेशन को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल फॉर्म में। वेलोसिटी उसकी हमेशा टेंजेंट के अलोंग आर ओमेगा, और अगर कोई बॉडी वन डायमेंशन मोशन कर रही है तो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सेम लाइन होना चाहिए, जिस लाइन पर वेलोसिटी उसी लाइन पर एक्सेलरेशन। अब इस पॉइंट में अगर कुछ क्वेरी है तो आप अभी पूछ लो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ पूछो सर। जब हम रोलिंग की बात करते हैं तो हम स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं ना? हाँ, जो और कोई शेप नहीं, देखो आने को तो और भी आ सर, हो भी कोई भी हो सकता है सर, ओलंपियाड में आता है क्यूब भी जो रोल कर रहा हो। ओलंपियाड में सिक्स फेसेस के प्रिज्म का आया हुआ है। यस सर, प्रिज्म का सर, आईपीएच में आया था। आता है, मैं बोल रहा हूँ ना, इसीलिए बोल रहा हूँ आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स है। मेरी कोशिश तो पूरी है कि मैं आपके स्कूल का, जेई का और इवन ओलंपियाड तक के कॉन्सेप्ट सारे कवर करूं, बट कुछ चीजें समझाने के लिए मैं स्फेरिकल बॉडीज ही लूंगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल हम उसी को समझ सकते हैं। अभी हम अगर मतलब जहां भी सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट है वहां पे सेंटर ऑफ मास हम लोग कहेंगे। नहीं नहीं, हम जान, मैं जानबूझ करके सेंटर लिख रहा हूं। सेंटर मतलब सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर। सेंटर ऑफ मास अलग हो सकता है कहीं पर। सेंटर ऑफ मास तो डिपेंड करता है कि बॉडी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की है। yes, तो वो एक अलग कंसेप्ट है। मैं सेंटर इंटेंशनली यूज कर रहा हूँ, मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है यहाँ पर, जानबूझ करके सेंटर लिखा है मैंने। ओके सर, है ना, ये ये काइनेमेटिक्स वाले पॉइंट्स आपको क्लियर है, ध्यान रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कीपिंग इन माइंड, इसको हमेशा ध्यान में रखिए आप। जब तक मैकेनिक्स चलेगी तब तक ये दो पॉइंट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए, और स्पेशली अगर रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो। बोले, इनमें कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम अगले पॉइंट पर मूव कर जाएं। सर, हाँ तो बस एक चीज पूछनी थी, जो आपने अभी लास्ट स्लाइड में वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखवाया था, तो और हम लोग सर बाकी की क्लासेस में जो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ते हैं, सेम ही चीज है ना कि कोई डिफरेंस है? नहीं, सेम ही चीज है, मीनिंग में फॉर्मूला तो सेम है। एक्चुअली ये वी सेंटर ऑफ मास यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में ये वी सेंटर होना चाहिए इक्वल टू आर ओमेगा। सेंटर ऑफ मास तो, क्योंकि सेंटर और सेंटर ऑफ मास में फर्क है। सेंटर मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर की बात कर रहा हूँ, ज्योमेट्रिक सेंटर। हाँ जी, देखो अब अगला एग्जांपल ले। अब इस पूरे लेक्चर में आप दो बातें ध्यान रखेंगे, एक रोलिंग का मतलब है ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेटरी सेंटर ऑफ मास, सॉरी सेंटर ऑफ द व्हील का। अच्छा, मैं फिलहाल सेंटर और सेंटर ऑफ मास को कोइंसाइड करके ही पढ़ाऊंगा आपको, जब ये एक दो लेक्चर हो जाएंगे तब थोड़ा सा दिखाएंगे आपको। तो एक ट्रांसलेटरी मोशन और दूसरा सेंटर के अबाउट बॉडी रोटेट करती हुई दिखेगी। तो अगर आप सेंटर की वेलोसिटी और सेंटर का एक्सेलरेशन देखेंगे, तो क्योंकि सेंटर का स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो सेंटर की वेलोसिटी और सेंटर का एक्सेलरेशन सेम लाइन पर होंगे, लेकिन सेंटर के अलावा बाकी के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब अबाउट सेंटर सर्कुलर पाथ पे हैं, और जब सर्कुलर पाथ पे हैं तो उनमें हम काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर पाथ का यूज करेंगे, और बाद में यहाँ प्लस का भी साइन है, मतलब कि दोनों का कम्बिनेशन लगाएंगे। एज एग्जाम्पल दिखा रहे हैं अभी आपको, जैसे यहाँ पर आपको वेलोसिटी निकालनी है किसी पॉइंट की, फर्स्ट पॉइंट कि अगर एक पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो लेफ्ट साइड पर अगर आप ध्यान दो, लेफ्ट फिगर मैंने रोलिंग की बनाई है, जिसके अंदर बॉडी का स्पिन और बॉडी का ट्रांसलेशन दोनों दिखाया है। ओमेगा से इस बॉडी का स्पिन रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और वी सी एम से इस बॉडी का ट्रांसलेशन रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो हमने इसको इक्वल टू करके क्या किया है, फर्स्ट केस में सिर्फ स्पिन कंसिडर किया है और दूसरे केस में सिर्फ ट्रांसलेशन कंसिडर किया है। मतलब आप रोलिंग को विजुअलाइज करने के लिए इसको स्प्लिट कर दो, रोलिंग इक्वल टू स्पिन प्लस ट्रांसलेशन, अलग अलग कर दें आप समझने के लिए, बीच में प्लस का साइन है। अब जरा याद करो ट्रांसलेटरी मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी बॉडी के ट्रांसलेट करते वक्त उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये बिल्कुल लेक्चर वन में था, तो ट्रांसलेटरी मोशन तो ईच, हाँ ईच पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द सेम वे एज द सेंटर इज मूविंग। इसका मतलब अगर सेंटर की वेलोसिटी VC है तो पॉइंट P की वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में होगी VC, R पॉइंट की वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में होगी VC,
पॉइंट एस की वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में होगी वी सी, पॉइंट क्यू की वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में होगी वी सी, ये ट्रांसलेटरी कैरेक्टरिस्टिक। और रोटेशन अबाउट सेंटर में, तो रोटेशन मतलब सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन मतलब कि टेंजेंशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल के फॉर्म में। तो यहां पर सर्कुलर मोशन की कैरेक्टरिस्टिक यूज की जा रही है, ईच पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द सर्कुलर पाथ अबाउट सी विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि पॉइंट पी अपने सेंटर के अबाउट रिवॉल्व करेगा तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंट की डायरेक्शन में दिखाओगे आर इंटू ओमेगा, पॉइंट आर की वेलोसिटी पॉइंट आर के टेंजेंट की तरफ दिखाएंगे आर इंटू ओमेगा, पॉइंट एस की वेलोसिटी पॉइंट एस पर टेंजेंट बना करके दिखाएंगे आर ओमेगा, पॉइंट क्यू की वेलोसिटी क्यू पॉइंट पर टेंजेंट बनाकर दिखाओगे आर इंटू ओमेगा, इस तरीके से दिखाना है आपको। और क्योंकि ये दोनों प्लस होने हैं, लेकिन ये प्लस होंगे अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स, तो एक्चुअल में अगर आपसे कोई पूछे कि पॉइंट पी की क्या वेलोसिटी है, तो स्पिन करने की वजह से पॉइंट पी की वेलोसिटी आर इंटू ओमेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्लस आर ओमेगा, हाँ सुनो, और ट्रांसलेट करने की वजह से पॉइंट पी की वेलोसिटी वी सी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो स्पिन करने की वजह से पॉइंट पी की वेलोसिटी और ट्रांसलेट करने की वजह से पॉइंट पी की वेलोसिटी दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो वेक्टर के अकॉर्डिंग पॉइंट पी की टोटल वेलोसिटी कही जाएगी वी सी प्लस आर ओमेगा। पॉइंट क्यू की बात करें तो पॉइंट क्यू की ट्रांसलेट करने की वजह से वी सी वेलोसिटी फॉरवर्ड है, पॉइंट क्यू के रोटेट करने की वजह से आर ओमेगा वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो पॉइंट क्यू की जो टोटल वेलोसिटी होगी वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे, वी सी और आर ओमेगा के दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा, इस रिजल्टेंट को कह देंगे कि ये होगा वेलोसिटी पॉइंट क्यू के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू। पॉइंट एस की बात करें तो ट्रांसलेट करने की वजह से पॉइंट एस की वेलोसिटी वी सी फॉरवर्ड साइड पर, रोटेट करने यानी स्पिन करने की वजह से पॉइंट एस की वेलोसिटी आर ओमेगा लेफ्ट साइड पर, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर पॉइंट एस पर कैलकुलेट करने को दिया जाए कि पॉइंट एस की टोटल वेलोसिटी क्या होगी, तो यहां पर दोनों वेक्टर अपोजिट साइड पर है, इसका मतलब पॉइंट एस की अगर आप नेट वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हो, एक्चुअल वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी, तो ये या तो वी सी माइनस आर ओमेगा होगा या फिर ये आर ओमेगा माइनस वी सी होगा, डिपेंड करता है कि इनमें से वैल्यू कौन सी बड़ी है, और ये भी हो सकता है कि ये दोनों वैल्यूज बराबर भी, ये भी पॉसिबल, तब जीरो हो जाएगा, मतलब तीन केसेस है ना हमारे पास, तीन केसेस ये वाले, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग भी हो सकता है, स्किडिंग का एग्जाम्पल भी ले सकते हो जिसमें वी सी की वैल्यू आर ओमेगा से बड़ी होती है, स्लिपिंग का एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें वी सी की वैल्यू आर ओमेगा से छोटी होती है। तो इस पॉइंट से अगर हम तीनों की बात करें, तो अगर आप रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का एग्जाम्पल ले रहे हो, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, उस कंडीशन में पॉइंट एस की क्या वेलोसिटी कहोगे, अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि वी सी और आर ओमेगा बराबर है, तो यानी कि वेलोसिटी एट पॉइंट एस विल बी जीरो। अगर बॉडी स्किड कर रही है जिसका मतलब वी सी ज्यादा है, तो vc minus r omega और डायरेक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, और अगर ये बॉडी स्लिप कर रही होती है r omega minus vc बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि केस आइडेंटिफाई करने होंगे आपको कि केस कौन सा है, उस हिसाब से पॉइंट s का मोशन फॉरवर्ड भी हो सकता है, पॉइंट s का मोशन बैकवर्ड भी हो सकता है, और पॉइंट s का मोशन जीरो भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम रोलिंग के कौन से केस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर प्रॉब्लम में कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ रोलिंग है, तो बाय डिफॉल्ट हम उसको रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ही मानते हैं। अगर कुछ मेंशन ना किया जाए, कुछ स्पेसिफाई ना किया जाए, तो आप ये मान के चलोगे कि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का ही एग्जांपल होगा और हम उसको जीरो कह देंगे वेलोसिटी को। तो जीरो वेलोसिटी होने का मतलब क्या होगा, बता रहे एक एक करके भी सारा टॉपिक आएगा। मैं पहले आप ये कंसेप्ट समझो कि किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आप रोलिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर ले, एक स्पिन करने वाला पार्ट यानी रोटेट करने वाला, एक ट्रांसलेट करने वाला पार्ट। ट्रांसलेटरी वाले पार्ट में किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी, वो आप जितनी वेलोसिटी सेंटर की है उतनी ही वेलोसिटी से बाकी हर पॉइंट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करोगे,
चाहे वो सर्कमफ्रेंस पर हो या फिर कहीं भी हो, सर्कमफ्रेंस के अलावा भी कहीं पर पॉइंट है तो उसको भी हम वी से ही दिखाएंगे। और स्पिन करने की वजह से किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी को उस पॉइंट की लोकेलिटी के हिसाब से जहां पर वो लोकेटेड है उस लोकेशन पर जो टेंजेंट होगी उस टेंजेंट की तरफ आर इंटू ओमेगा करके दिखाओगे। और बाद में स्पिन करने की वजह से आर ओमेगा वेलोसिटी जो कि टेंजेंट की तरफ, ट्रांसलेट करने की वजह से वेलोसिटी वी सी को लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से एड करके रिजल्टेंट वेलोसिटी किसी भी पॉइंट की निकाली जा सकती है। पॉइंट आर पर अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहूं तो पॉइंट आर पर भी ट्रांसलेटरी वेलोसिटी वी सी फॉरवर्ड है, रोटेशनल वेलोसिटी आर ओमेगा डाउनवर्ड है, तो इनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ लगा दीजिए, दोनों 90 डिग्री के वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट निकाल करके जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बनेगा वो हम कह देंगे कि ये वेलोसिटी होगी पॉइंट आर की। अब आप यहां तक बताओ जिस पॉइंट पर डाउट है तो हम बार बार पूछेंगे इसको, क्योंकि ये सिग्निफिकेंस पूछ रहे हैं या मैथमेटिकल पूछ रहे हैं आप ये बताएं पहले। नहीं सर मैथमेटिकल तो समझ में आ गया, बट वो सिर्फ जीरो आ रहा है वो बता रहे हैं नहीं और नहीं देखिए मैं बता रहा, इसको एक एक करके मैं सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अभी ये जो प्रोसेस मैंने जो बताया है इस प्रोसेस में कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। मतलब हाँ मतलब मैं यहाँ पर वर्ड्स में लिख रहा हूँ कि वेलोसिटी किसी पॉइंट की अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करो, आप ये करो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ड्यू टू स्पिन और प्लस वेलोसिटी ऑफ द सेम पॉइंट ड्यू टू ट्रांसलेशन, दोनों को ऐड करना होगा। ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन सेंटर के वेलोसिटी की डायरेक्शन में दिखाएंगे और स्पिन करने वाले वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉइंट की लोकेशन के हिसाब से टेंजेंट की तरफ दिखाएंगे। ये पॉइंट्स क्लियर हुए? यस सर। ओके जी, अब थोड़ा सा डिटेल लेके जा रहे हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में, जिसमें कि पॉइंट एस की जीरो वेलोसिटी है, इसका क्या मतलब होता है आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखिए यहाँ पर जो भी पीछे है उसको फिर से नोट्स बनाए गए हैं कि एज पर द थ्री पॉसिबल केसेस ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विद स्किडिंग एंड रोलिंग विद स्लिपिंग, वी कैन से दैट इन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ द व्हील विच कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द सर्फेस इज जीरो, जिस पर आपका दिमाग रुका हुआ है कि ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर, तो वर्ड्स पे बड़ा ध्यान देना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ द व्हील विच कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द सर्फेस इज जीरो। मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा काइनेमेटिक्स में हो नहीं सकता क्या कि कोई पार्टिकल मोशन करे तो ड्यूरिंग मोशन क्या पार्टिकल की वेलोसिटी कभी जीरो नहीं हो सकती? तो यही हो रहा है इसमें, आप इतना सरप्राइज जैसे हुए हो, भाई एक पॉइंट मूव कर रहा है तो ड्यूरिंग मोशन किसी भी पॉइंट की किसी पर्टिकुलर टाइम पर तो जीरो वेलोसिटी हो ही सकती है। यस सर। हाँ तो यही पॉइंट समझाया हुआ, देखो क्या है, देखो तीन अलग अलग टाइम पर डायग्राम बने हुए हैं। पहले टाइम पर पॉइंट एस ग्राउंड के ऊपर है। अब समझाता हूं मैं आपको क्या हो रहा है। जब पॉइंट पी अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर है तो इसकी वेलोसिटी अभी हम लोगों ने पीछे कही थी वी सी प्लस आर ओमेगा है, और इसके अलावा वी सी बराबर आर ओमेगा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वी सी इक्वल टू आर ओमेगा है, यानी कुल मिलाकर के टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी टू टाइम्स ऑफ वी सी है। पॉइंट आर की क्या वेलोसिटी होगी, प्रीवियस एग्जांपल से देखो जरा एक मिनट। पॉइंट आर की वेलोसिटी, पॉइंट आर के में मैं इसको अलग से डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, जो मेरा पॉइंट आर है उसका डायग्राम थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम दिखा रहे हैं इस तरफ। इसकी एक वेलोसिटी वी सी राइट साइड दिखाई जा रही है, एक वेलोसिटी आर ओमेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाई जा रही है, और इनका रिजल्टेंट निकाला जा रहा है। तो इनका जो रिजल्टेंट निकालेंगे अगर हम और वेक्टर का लॉ लगाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ आर अकॉर्डिंग टू द वेक्टर्स विल बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ वी सी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर, और क्योंकि वी सी बराबर आर ओमेगा है तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये रूट टू टाइम्स ऑफ वी सी के बराबर हो जाएगा। यानी कि इस डायग्राम में अगर मैं आपसे कहूं कि पॉइंट आर की जो वेलोसिटी है तो पॉइंट आर की वेलोसिटी रूट टू टाइम्स ऑफ वी सी है, पॉइंट एस की वेलोसिटी
जीरो है, जीरो मीटर पर सेकंड है। पॉइंट क्यू की वेलोसिटी भी ऐसे ही होगी, रूट टू बीसी। अब कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद मतलब जब ये 90 डिग्री टर्न कर गया, ये व्हील 90 डिग्री टर्न हो चुकी है, तो जो पॉइंट पी टॉप मोस्ट पॉइंट पे था वो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर आ गया। पूरा व्हील 90 डिग्री से घूम चुका है, 90 डिग्री से। अब आप जरा बताओ कि पॉइंट क्यू, पॉइंट आर और पॉइंट पी की अब क्या वेलोसिटीज होंगी? इंटरचेंज हो जाएंगी सर। एक मिनट देखिए मैं आता हूँ। हाँ जी, पॉइंट पी मतलब पॉइंट क्यू अब टॉप पे चला गया, तो अब इस पॉइंट क्यू की वेलोसिटी हो गई, अब पॉइंट क्यू की वेलोसिटी 2vc हो गई। पॉइंट पी वहां पर चला गया जहां पर पहले आर वाला पॉइंट था, तो अब पॉइंट पी की वेलोसिटी रूट 2vc हो गई। अब पॉइंट आर 0 मीटर पर सेकंड पर आ गया, फिर 180 डिग्री टर्न हो गए। 180 डिग्री टर्न करने के बाद पॉइंट एस ऊपर चला गया, अब इसकी वेलोसिटी 2vc हो गई। पॉइंट क्यू की वेलोसिटी रूट 2vc हो गई, अब पॉइंट पी की वेलोसिटी 0 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ जानते हो भाई? जितने भी पॉइंट सर्कमफेरेंस पर हैं वो अपनी लोकेशन तो चेंज करेंगे ना। जो पॉइंट कभी टॉप पर होगा वो कभी हॉरिजॉन्टल पर भी आएगा, कभी बॉटम पर भी आएगा। तो जैसे पहले वाले फिगर में पॉइंट एस बॉटम पर है, इसका मतलब पॉइंट एस की इस मूवमेंट पर वेलोसिटी 0 है। पॉइंट एस की इस समय 0 वेलोसिटी है, बाकी के पॉइंट्स की नॉन 0 वेलोसिटी है। कुछ देर बाद कोई दूसरा पॉइंट ग्राउंड पर आया, अब आर वाला पॉइंट जब ग्राउंड पर आएगा तो आर वाले पॉइंट के पास 0 वेलोसिटी। कुछ देर बाद पी पॉइंट ग्राउंड पर आया तो पी वाले पॉइंट की 0 वेलोसिटी। इसको कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि जो पॉइंट ग्राउंड पर है वो चलेगा ही नहीं। इसको एक्चुअली कंफ्यूजन यहां से होती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो पॉइंट ग्राउंड पे है वो चलता नहीं है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, पॉइंट एस भी मूव कर रहा है, पॉइंट क्यू भी मूव कर रहा है, पॉइंट पी भी मूव कर रहा है, पॉइंट आर भी मूव कर रहा है। ये सारे पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि अलग अलग टाइम पर इन पॉइंट्स की अलग अलग वेलोसिटीज होंगी। हर पॉइंट चल रहा है, पॉइंट पी भी मोशन में है, पॉइंट क्यू भी मोशन में है, पॉइंट आर भी मोशन में है, पॉइंट एस भी मोशन में है, लेकिन पॉइंट एस अपने मोशन में एक ऐसे मोमेंट पर आ चुका है जिस मोमेंट पर उसकी 0 वेलोसिटी है। पॉइंट आर भी मोशन में था, पहले वाले डायग्राम में पॉइंट आर की कुछ वेलोसिटी है, तो ये अलग टाइम था, टाइम बदला, पॉइंट आर की लोकेशन बदल गई। जब वो पॉइंट आर ग्राउंड पे पहुंचेगा तो वहां पर वो 0 मीटर पर सेकंड पे पहुंचेगा। पॉइंट पी जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो वो 0 मीटर पर सेकंड उस समय की वेलोसिटी होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि पॉइंट पी परमानेंटली रेस्ट पे है। मोमेंटली रेस्ट और परमानेंटली रेस्ट में फर्क है। पॉइंट पी की इस समय 0 वेलोसिटी है, लेकिन कुछ देर बाद पॉइंट पी के पास फिर वेलोसिटी आ जाएगी और तब कोई दूसरा पॉइंट होगा जो कि ग्राउंड के ऊपर आएगा। तो ये जो बात लिखी जा रही है यहां पर, पॉइंट ऑफ व्हील विच कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द सर्फेस, हमेशा एक ही पॉइंट सर्फेस पे टच में नहीं रहेगा, पॉइंट्स बदलते रहेंगे, नए नए पॉइंट्स ग्राउंड पे आते जाएंगे। वो नए पॉइंट्स ग्राउंड पर आने से पहले तो उनमें वेलोसिटी है, बट जैसे ही वो ग्राउंड को टच करते हैं उनमें वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर आपको रोलिंग से नहीं समझ में आ रहा, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड या किसी भी वेलोसिटी से फेंको, तो क्या ये हो नहीं सकता कि ड्यूरिंग मोशन इसकी स्पीड बदलती चली जाए, या ये हमेशा ही 20 मीटर पर सेकंड से चलता रहेगा? अगर हम ग्रेविटी के अंडर का एग्जाम्पल लें, तो क्या ये स्पीड रिड्यूस नहीं करती है इसकी ग्रेविटी की वजह से? धीरे धीरे ये बॉडी स्लो होने लगती है और एक मैक्सिमम हाइट आती है जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 होती है। तो जब भी कोई पॉइंट मोशन करेगा, पॉइंट की बात कर रहा हूं बॉडी की नहीं, अगर कोई भी पॉइंट मोशन में है, चाहे स्ट्रेट पाथ पर है, चाहे पैराबोलिक पाथ पर है, चाहे सर्कुलर पाथ पे है, तो ड्यूरिंग मोशन अपनी ट्रेजेक्ट्री के अलग अलग पॉइंट्स पर उसकी अलग अलग स्पीड होती है, और ट्रेजेक्ट्री के अंदर एक ऐसा पॉइंट भी आ सकता है जहां पर उस पॉइंट पे 0 स्पीड आ जाए। तो पॉइंट पी का अपना कुछ ट्रेजेक्ट्री होगा, उस ट्रेजेक्ट्री में जब वो टॉप पॉइंट पर है तो उसमें 2vc वेलोसिटी है,
जब वो हॉरिजॉन्टल लेवल पर आया तो उसमें रूट टू वी सी की वेलोसिटी है, जब वो बॉटम पर आया तो उसमें जीरो की वेलोसिटी आ गई। इस तरीके से वेलोसिटीज चल रही है इसकी। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? मतलब ये स्टेटमेंट कहना कि जो पॉइंट ग्राउंड पर है वो हमेशा के लिए रुका रहेगा, ऐसा नहीं है। नया पॉइंट ग्राउंड को टच करेगा और टच करते वक्त जीरो वेलोसिटी होगी, अगले ही पल उसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। बताओ भाई, क्लियर? क्लियर है। अच्छा अब एक चीज और सुन, एक और चीज समझो बच्चे। पॉइंट पी जो व्हील के टॉप पर है उसकी वेलोसिटी 2vc, सेंटर पॉइंट की वेलोसिटी vc, बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी जीरो। मतलब जितना आप ग्राउंड के ऊपर जाओगे, जितना ग्राउंड के ऊपर जाओगे वो पॉइंट्स उतनी स्पीड में चलते हैं। जो पॉइंट ग्राउंड से जितनी ऊपर है उसकी उतनी ज्यादा स्पीड है। जो बॉटम पॉइंट को icr बोल देते हैं। हां हां, वो भी कांसेप्ट है, बट मैं जो पॉइंट बता रहा हूं इसका क्या है, बॉटम से जितना ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाओगे पॉइंट की स्पीड ज्यादा है। और इसका एक फोटोग्राफ है, एक फोटोग्राफ है, पिक्चर ड्रॉ की गई है, उस पिक्चर में देखना आप। ये एक चलते हुए व्हील की फोटोग्राफ है जो खुद भी क्लिक कर सकते हो आप, चलते हुए व्हील की, साइकिल चलाओ और किसी से बोलना कि फोटोग्राफ खींचे, वो पिक्चर क्लिक करे उसकी, आप खुद भी कर सकते हो इस चीज को। हाँ जी, इस पिक्चर में क्या है कि जो टॉप साइड है अगर आप देखो तो टॉप साइड पर आपको स्पोक्स विजिबल नहीं है, जबकि नीचे की तरफ स्पोक्स कुछ कुछ दिख रहे हैं आपको, दूसरे वाले में भी। ये तो रियल पिक्चर है, इंडियन पिक्चर है, चप्पल देख के भी समझ सकते हो। आपको ऐसा नहीं लग रहा है इस व्हील में ऊपर की तरफ जो स्पोक्स हैं थोड़ी सी ब्लर इमेज आई है, और नीचे वाले और आप कभी फोटो खींचो मोबाइल कैमरे से तो ब्लर इमेज कब आती है, मूविंग ऑब्जेक्ट की या स्टिल ऑब्जेक्ट की? मूविंग ऑब्जेक्ट की। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाले स्पोक्स ज्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं और नीचे वाले स्पोक्स रिलेटिवली स्टिल टाइप की है, इसीलिए उनमें क्लियर पिक्चर आ रही है, ऊपर ब्लर पिक्चर आ रही है। और यही पॉइंट समझाया जा रहा है कि जो बॉटम पर पॉइंट्स होते हैं वो मोमेंटली जीरो वेलोसिटी पर होते हैं, परमानेंटली जीरो पे नहीं होते, और जो टॉप पर पॉइंट होते हैं वो ट्वाइस ऑफ वीसी पर होते हैं। डायरेक्शन अब थोड़ा सा गलत दिखा दिया मैंने, क्योंकि मोशन किसी और डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिट साइड पर हो रहा है एक्चुअली। टॉप पॉइंट लेफ्ट साइड पर दिखाएंगे 2vc, और सेंटर पॉइंट चलेगा वीसी स्पीड से। सेंटर पॉइंट तो हमेशा ग्राउंड से फिक्स हाइट पर ही रहेगा, जो ये सेंटर है क्या ये हमेशा जमीन से आर डिस्टेंस पर ही रहेगा? ये इसकी हाइट बदल जाएगी व्हील की, अगर टायर में हवा ना निकल जाए तो, अगर टायर तो फिर इसका मतलब सेंटर तो बिल्कुल सीधे चल रहा है, लेकिन जो टॉप पॉइंट है। और इससे देखो ना, आप ये जो हाईलाइटर लगाते हो खुद मालूम चल जाएगा यार, ये क्या ये हाईलाइटर आपको हमेशा पहिए में एक ही जगह दिखेगा, आपको यही पे लगा रहेगा ये? नो सर, नो सर। तो फिर सिंपल सा लॉजिक है यार, घूमता रहता है। सो ये बड़ा एक, जो आपने बोला कि फिजिकल मतलब क्या है, उसको फोटोग्राफ के थ्रू ही समझाया जा सकता है कि इसका क्या मतलब है, कि व्हील के नीचे वाले पॉइंट्स थोड़ा सा स्लो चलते हैं और व्हील के ऊपर वाले पॉइंट्स फास्ट चलते हैं और सेंटर वीसी स्पीड पर चलता है। अभी ठीक है पॉइंट इसमें? अगर आपको ट्रस्ट ना, तो आपने घर में साइकिल होगी, बाइक होगी, किसी की भी फोटोग्राफ खींच के देख लो, अपने आप मालूम चल जाएगा, क्लियर एविडेंस है। अब कुछ और कॉन्सेप्ट्स। पॉइंट ऑन द व्हील विच कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस हैज जीरो वेलोसिटी एट द मोमेंट ऑफ कॉन्टेक्ट, हमेशा नहीं। तो अगर फ्रिक्शन लगेगा रोलिंग में तो वो स्टैटिक ही लग सकता है हमेशा, क्योंकि फ्रिक्शन किसके बीच में लगेगा? अगर मान लो इस टायर पे फ्रिक्शन लगना है तो फ्रिक्शन कॉन्टेक्ट फोर्स है, वो कॉन्टेक्ट किसके बीच में हो रहा है? तो कॉन्टेक्ट है रोड के बीच में और टायर के सबसे नीचे वाले पॉइंट के बीच में, और टायर का सबसे निचला पॉइंट इस समय जीरो वेलोसिटी पर है। तो जिस समय कॉन्टेक्ट हो रहा है टायर का निचला वाला पॉइंट भी जीरो वेलोसिटी पर,
और रोड की भी वेलोसिटी जीरो, तो दो जीरो वेलोसिटी वाले पॉइंट जब आपस में कांटेक्ट करेंगे और उनके बीच में फ्रिक्शन लगेगा, यानी इस समय कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, जो पॉइंट ग्राउंड पर और जो पॉइंट टायर के सबसे नीचे वाले पॉइंट पर है, टायर का सबसे निचला पॉइंट, दोनों ही जीरो वेलोसिटी पर हैं, तो दोनों में आपस में कोई रिलेटिव वेलोसिटी है ही नहीं, और रिलेटिव वेलोसिटी ना होने की कंडीशन काइनेटिक फ्रिक्शन अराइज नहीं करेगा, स्टैटिक लगेगा, स्टैटिक लगेगा, तो अगर अगर लगेगा तो काइनेटिक नहीं रहेगा। हाँ, अगर लगेगा तो, जरूरी नहीं कि वो लगे, बट अगर लगा तो ये स्टैटिक ही रखोगे, और अगर ये स्टैटिक होगा तो इसके प्रॉपर्टीज रिकॉल करना, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की, नहीं वर्क डन तो बाद में आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को लेकर के एक बात ध्यान रखना कि इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस एन, मतलब कि इसकी वैल्यू जीरो और म्यू एस एन के बीच में कुछ लाई कर रही होगी, क्योंकि ये सब हमें आगे कैलकुलेट करना है। तो रोलिंग की प्रॉपर्टीज अभी डिस्कस हो जाएंगी, इनका न्यूमेरिकल पोर्शन कुछ थोड़ी देर बाद अभी स्टार्ट हो जाएगा, और एक्चुअल ऑपरेटिंग वैल्यू मतलब फ्रिक्शन की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, तो वो हम लोग को डिपेंड करता है कि रोल करते वक्त और कौन कौन सी फोर्सेस लगाई गई हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे न्यूटन लॉ में। और इसके अलावा एक पॉइंट और कहा जा रहा है कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, इट वोंट डू एनी वर्क। इसका क्या रीजन है कि इससे कोई वर्क नहीं हो पाएगा, फ्रिक्शन होने के बाद भी वर्क नहीं हो पाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो। किस पॉइंट का? जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा, राइट। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आगे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं से इसको कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग। एक, अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है और फ्रिक्शन इन्वॉल्व हुआ, अगर इन्वॉल्व हुआ तो वो स्टैटिक ही इन्वॉल्व होगा, काइनेटिक नहीं होगा कभी। कितनी वैल्यू होगी फ्रिक्शन फोर्स की, ये किसी फॉर्मूले से नहीं बताया जा सकता जब तक कि प्रॉब्लम में ये ना मालूम हो कि और कौन कौन सी फोर्सेस लगी हुई हैं, कहाँ लगी हुई हैं, क्या डायरेक्शन से उनका, जब तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं होंगी तब तक हम फ्रिक्शन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। और वर्क नहीं होगा मतलब एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी, यानी कि इन केसेस में एनर्जी को हम कंजर्व भी करेंगे। आगे का पॉइंट सर। हाँ जी सर, एक चीज पूछनी थी, फ्रिक्शन तब लगता है जब रिलेटिव वेलोसिटी हो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में? नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी हो या रिलेटिव वेलोसिटी होने की टेंडेंसी हो, टेंडेंसी मतलब हो सकता है रिलेटिव वेलोसिटी हो जाए, है नहीं लेकिन हो जाए, तो टेंडेंसी वाले में स्टैटिक होता है, और अगर रिलेटिव वेलोसिटी हो ही रही है तो काइनेटिक लगता है। काइनेटिक पूरा पूरा डिटेल में आएगा, आप थोड़ा सा आपको बताया तो मैंने, मैं सारे कॉन्सेप्ट्स पहले नोट्स बनवा रहा हूँ आपके, पहले अपने आप को तैयार करेंगे, एक एक पॉइंट डिस्कस होगा, बस क्लासेस मिस ना करिएगा। और यहाँ पर बाकी के केसेस हैं यार, कि अगर रोलिंग स्केटिंग के साथ है और रोलिंग विद स्लिपिंग के केस में है तो बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसके पास एक नॉन जीरो वेलोसिटी होगी, और उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा म्यू के इनटू एन का। अगर स्किड कर रहे हैं या स्लिप कर रहे हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन, और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है तो एनर्जी लॉस होती रहेगी, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, स्केटिंग के टाइम पर नहीं लगाओगे, स्लिपिंग के टाइम पर नहीं लगाओगे। इनके चांसेस सिर्फ 5% के ही हैं, बट उस 5% के न्यूमेरिकल में एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। अब आते हैं यहां पर, ये एक कंसेप्ट देखो फिर से, प्योर रोलिंग का वर्ड यूज कर रहे हैं जिसका मतलब होता है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं देखो, अभी हम लोगों ने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने कहा था कि रोलिंग को आप स्पिन और ट्रांसलेशन में डिवाइड करके देख सकते हो, स्पिन में और ट्रांसलेशन दोनों मिला दीजिए रोलिंग को। और एक बार फिर स्टेटमेंट सुनो, ट्रांसलेटरी वाले में जितने भी पॉइंट ऑब्जेक्ट पर हैं उन सब की वेलोसिटी को सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड से दिखाओ आप। एक बार फिर उस स्टेटमेंट पर आ रहे हैं, इन सब को हम सेम डायरेक्शन में वीसी दिखाएंगे, और स्पिन वाले में सबको टेंजेंट की तरफ, अपने अपने टेंजेंट्स की तरफ आर ओमेगा दिखाएंगे, जितने टेंजेंट्स हैं उन सबको आर ओमेगा दिखाओ, इसको आर ओमेगा दिखाओ, इसको आर ओमेगा दिखाओ, इसको आर ओमेगा दिखाओ, और फिर हम रिजल्टेंट निकालेंगे। तो जब रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो पॉइंट पी का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बन रहा है वो 2 times ऑफ वीसी बन रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर वीसी इक्वल टू आर ओमेगा को यूज कर रहे हैं। पॉइंट
पॉइंट एस की वेलोसिटी जीरो बन रही है क्योंकि VC फॉरवर्ड है, R ओमेगा बैकवर्ड है. पॉइंट Q की वेलोसिटी, पॉइंट Q को अगर अलग से डायग्राम बना के दिखाऊं तो पॉइंट Q की एक VC वेलोसिटी फॉरवर्ड और R ओमेगा वेलोसिटी अपवर्ड. आप बताएंगे क्या रिजल्टेंट आएगा अगर VC और R ओमेगा बराबर है तो कितना रिजल्टेंट आएगा पॉइंट Q का? और ये VC वाले लाइन से 45 डिग्री के एंगल पर भी आएगा. यस सर. तो यहाँ पर रूट टू वी सी एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजेंटल. और ऐसे ही पॉइंट आर की वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगी रूट टू वी सी 45 डिग्री के एंगल पर. अब एक काम करना, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और बताइएगा. पॉइंट एस से पॉइंट पी को मिलाने जा रहा हूँ मैं. पॉइंट एस और पॉइंट पी को हम मिलाने जाएंगे तो पॉइंट पी पॉइंट एस से कितने डिस्टेंस पर है, क्या डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में? ओके. और पॉइंट पी की वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है जो कि 2 VC है, यानी ये 90 डिग्री के एंगल पर. अब हम क्या करने जा रहे हैं, पॉइंट एस से पॉइंट आर को मिलाने जा रहे हैं. पॉइंट एस और पॉइंट आर को आपस में कनेक्ट करने जा रहे हैं. एस और आर को कितना डिस्टेंस होगा पाइथागोरस थ्योरम से इनके बीच में, पॉइंट एस और पॉइंट आर के बीच रूट टू आर. ओके. और पॉइंट आर की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है मतलब मैग्नीट्यूड रूट टू वी सी है 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री. ओके. मैं सेंटर को भी पॉइंट एस से मिलाऊंगा, सेंटर को मिलाओ तो सेंटर पॉइंट एस से कितना डिस्टेंस ऊपर है? आर डिस्टेंस. और सेंटर की वेलोसिटी वी सी, ठीक, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री. फिर मैं पॉइंट एस को पॉइंट क्यू से मिलाने जा रहा हूँ. पॉइंट एस और पॉइंट क्यू को मिला देते हैं, ये डिस्टेंस भी पाइथागोरस थ्योरम से रूट टू आर. पॉइंट क्यू की वेलोसिटी रूट टू वी सी है जो कि इससे 90 डिग्री एंगल पर है. क्या कुछ समझ आ रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है यहाँ पर? हाँ सर, जो जो आर का कोएफिशिएंट है वो वेलोसिटी कोएफिशिएंट बन जा रहा है और 90 डिग्री हर जगह. मतलब कि हाँ, मतलब क्या है अब क्योंकि VC बराबर R ओमेगा है तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये रूट टू आर ओमेगा हो गया, ये VC बराबर R ओमेगा हो गया, ये 2VC बराबर 2R ओमेगा हो गया. तो क्या ये स्टेटमेंट कहना सही होगा? आप बताना, अगर आपको कन्विंस लगे, आपको समझ है तो बोलना, जबरदस्ती नहीं. कि किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा पॉइंट आर, पॉइंट आर इसकी वेलोसिटी रूट टू वी सी है जिसको हम रूट टू आर ओमेगा भी लिख सकते हैं. तो पॉइंट आर का बॉटम पॉइंट एस से जो डिस्टेंस है वो रूट टू आर है इंटू ओमेगा. सेंटर बॉटम से आर डिस्टेंस पे दैट डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा. क्यू सेंटर से रूट टू आर, सॉरी बॉटम से रूट टू आर डिस्टेंस पे रूट टू आर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा. तो क्या जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी वेलोसिटी ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम नहीं आ रहा कि बॉटम से उस पॉइंट का डिस्टेंस आ रहा है और 90 डिग्री एंगल पर भी आ रहे हैं? यस सर. तो ऐसा कब होता है कि डिस्टेंस और ओमेगा मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी आ जाए यार, ये चीज कब जब वो एक्सिस की तरह काम करे, जो है सेंटर ऐसा हो. हाँ, ये कंसेप्ट तो रोटेशन बताया गया था कि जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी को निकालने के लिए एक्सिस से उस पॉइंट के डिस्टेंस को ओमेगा से मल्टीप्लाई करो. ये रोटेशन अबाउट एक्सिस में बताया गया था, रोटेशन अबाउट एक्सिस. और इसीलिए मैंने पिछली क्लास में आपसे कह दिया था कि पूरा कंप्लीट रिवीजन करके बैठना. रोटेशन अबाउट एक्सिस में स्पीड किसी पॉइंट की जब निकालनी होती है तो आप डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा करते हो. और यहाँ वैसी ही चीज आ रही है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एस मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा करके मेरे को स्पीड आ रही है. तो क्या ये कह सकते हैं कि पॉइंट एस को आप एक्सिस मान सकते हो? यस सर. ठीक है, और यही चीज नेक्स्ट में दिखाई गई है.
कि अगर हम रोलिंग मोशन को देखो, यहां पर क्या है, यहां पर रोलिंग को आपने स्पिन और ट्रांसलेशन दोनों में कंसिडर किया है, लेकिन स्पिन किसके अबाउट कर रहा है वो? सेंटर, सेंटर के अबाउट। मैं कह रहा हूं कि आप रोलिंग का एक और तरीका है, सेकंड तरीका है इसका, सेकंड वे, आप रोलिंग को सिर्फ रोटेशन में कंसिडर कर सकते हो, बट अगर आप एक्सिस बॉटम पॉइंट से चूज करें तो जो पीछे वर्किंग है वही वर्किंग दिखाई गई है। बॉटम पॉइंट से क्यू को मिलाइए, जो डिस्टेंस है रूट टू आर, उसमें ओमेगा मल्टीप्लाई करके पॉइंट क्यू की वेलोसिटी आ रही है। टू आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, तो टू आर इंटू ओमेगा करके पॉइंट पी की वेलोसिटी आ रही। रूट टू आर डिस्टेंस पर पॉइंट आर है, तो रूट टू आर इंटू ओमेगा करके पॉइंट आर की वेलोसिटी आ रही है। आर डिस्टेंस पर सेंटर है, तो आर इंटू ओमेगा करके सेंटर की वेलोसिटी आ रही है। तो इसका मतलब, इसको हम ये भी मान सकते हैं कि कोई एक्सेस पॉइंट एस से पास हुई है, आप एक वर्चुअल एक्सेस मान लो जो पॉइंट एस से पास हुई है, और ये कह सकते हैं कि पूरी बॉडी इस एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रही है। मतलब रोलिंग को समझने के दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक ऑप्शन है स्पिन अबाउट सेंटर एंड मोशन ऑफ सेंटर, स्पिन अबाउट सेंटर एंड मोशन ऑफ सेंटर, ऑप्शन वन। दूसरा ऑप्शन, रोलिंग इज इक्विवेलेंट टू स्पिन अबाउट बॉटम, नो ट्रांसलेशन। फिर से, रोलिंग मोशन को समझने के लिए आप कह सकते हो कि इट इज इक्विवेलेंट टू रोटेशन अबाउट सेंटर पॉइंट प्लस द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ सेंटर, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, इसमें रोटेशन सेंटर के अबाउट दिखा रहे। और इसको दूसरा तरीका क्या है, इसको सिर्फ रोटेशन दिखाया जाए लेकिन सेंटर के अबाउट ना दिखा करके बॉटम पॉइंट के अबाउट दिखा दिया जाए, तो भी हमको सेम रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और इस कंडीशन में ये जो एक्सेस बॉटम से पास होती है, इसको हम टेक्निकली एक नाम देते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। बट मैं पर्सनली आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप इसी पहले वाले मेथड से ही क्वेश्चंस करें जब तक परफेक्शन ना आ जाए, जब परफेक्शन आ जाए तब दूसरे वाले मेथड पे जाना। पहला वाला मेथड ये कहता है कि रोलिंग मतलब सेंटर के अबाउट रोटेशन और सेंटर का ट्रांसलेशन, ये सिंपल है, आराम से समझ में आने वाली चीज है। ये जो दूसरा वाला लॉजिक है, सेकेंड वाला लॉजिक, हो सकता है इनिशियल स्टेज पर आप इसमें इतना परफेक्शन ना ला पाओ। अब अगर तुम में से कोई है जिसको नहीं समझ आया तो बोल सकते हो ताकि हम और आगे बढ़े, और अगर ये बात समझ में आई है तो क्या होगा। देखो और वो इंस्टेंटेनियस एक्सेस और रोटेशन की क्लियर इमेज नहीं बन पा रही है दिमाग में। नहीं, क्लियर इमेज का मतलब ये है, देखो पहले तो आप रोटेशन पे आते हैं ना। रोटेशन में देखिए, जब कोई बॉडी सिर्फ रोटेट करती है, ट्रांसलेट ना करें, ओनली रोटेशन का एग्जांपल लो। ओनली रोटेशन का एग्जांपल कौन सा है? ओनली रोटेशन का एग्जांपल अगर लो आप, जैसे कि मान लो आप एक आप वॉल क्लॉक के निडल का एग्जांपल लेते हैं, जो वॉल क्लॉक की निडल है वो सिर्फ रोटेट करती है ना, वो ट्रांसलेट तो करती नहीं है। Yes, sir. तो उसका सेंटर पॉइंट फिक्स होता है, और जब निडल रोटेट करती है तो इस निडल पर प्रेजेंट बाकी के जो पॉइंट्स होते हैं उनकी वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? मतलब अगर इस निडल आर ओमेगा से, क्या ये नहीं कहते कि इस निडल पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब सर्कुलर पाथ पे जाएंगे? यस सर, यस सर कहते हैं। तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकालने का फॉर्मूला क्या है? अगर आपको किसी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है रोटेशन में, तो क्या ये नहीं बताया गया कि आर इंटू ओमेगा करो, जिसमें आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस कहाँ से लोगे आप? आपने कहा इसके अबाउट रोटेट करेगा नहीं, करेगा नहीं,
आप इसको इमेजिन करना है सिर्फ, एक्चुअल में तो रोलिंग हो रही है। यस मैं उस रोलिंग को समझने के लिए, देखिए रोलिंग का मतलब देखो क्या है, रोलिंग मोशन का मतलब बेसिकली आपको इसमें रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों दिखाना है ना, रोलिंग मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कभी कभी कॉम्बिनेशन को एनालाइज करना टफ होता है, लेकिन ये रोटेशन अबाउट सेंटर है। मेरी बात ध्यान से सुनो कि अगर आप बॉडी का रोटेशन सेंटर के अबाउट दिखाओगे तो आपको ट्रांसलेशन भी कंसिडर करना पड़ेगा इसका। और ऑल्टरनेटिव तरीका मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप रोलिंग मोशन को सिर्फ रोटेशन से कंसिडर कर सकते हो, और लेकिन उसके लिए रोटेशन सेंटर के अबाउट ना लेकर के बॉटम के अबाउट कंसिडर कर दो। इसमें इसमें हमें ट्रांसलेशनल मोशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ अभी। यस डेफिनेटली। ये दो पैरेलल ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि जो ऑप्शन हमें करना होगा वो करेंगे, लेकिन मैं पहला वाला ही ऑप्शन चूज करूंगा, मैं पहले बता दूं आपको। सर ये एक बार अबाउट मतलब बॉटम पॉइंट से कैसे कंसीडर करें एक बार फिर से बता दीजिए। बॉटम पॉइंट से क्या चीज, बॉटम पॉइंट से क्या मतलब? सर आपने कहा कि रोलिंग को रोटेशन अबाउट बॉटम पॉइंट जो वो भी कंसीडर कर सकते हैं, तो सर मतलब आपसे मतलब जो आपने उसके साथ एक्सप्लेन किया सर वो नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं ना कि क्यों कंसीडर कर रहे हैं वो देखो पहले। आप पहले तो आपको देखिए, आप लोग इसका मतलब लैक ऑफ रिवीजन होगा 100%। पहले इस बात को समझो, रोटेशन अबाउट एक्सिस वाले कंसेप्ट को समझो, पहले इस लॉजिक को समझो कि रोटेशन अबाउट एक्सिस का क्या मतलब होता है। कि अगर हम कोई एक मान लो वो बनाए टेबल टाइप की, रोटेटिंग टेबल, और हम ये कह दें कि ये टेबल से के सेंटर से कोई एक्सिस जा रही है और ये बॉडी अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, इसके अबाउट ओमेगा वेलोसिटी से स्पिन कर रही है, सिर्फ रोटेट कर रही है। अब हमने इसे टेबल के ऊपर कोई पी वन पॉइंट कंसिडर कर लिया, इसे टेबल के ऊपर हमने कोई पी टू पॉइंट कंसिडर कर लिया, और हमसे कहा गया कि बताइए वेलोसिटी पी वन की क्या होगी, वेलोसिटी पी टू की क्या होगी। तो हमने कहा कि पी वन की वेलोसिटी निकालने के लिए हम पी वन का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे एक्सिस से, और जो डिस्टेंस होगा पी वन का एक्सिस से, उस डिस्टेंस में ओमेगा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बात समझ में आ रही, बोलते जाना। यस सर। ये बात समझ। अच्छा अब अगर आपको P2 पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है तो क्या प्रोसेस लगाओगे, प्रोसेस क्या करोगे P2 की वेलोसिटी? मान ले P2 अपने एक्सिस से R2 डिस्टेंस पर है, तो फिर हम वेलोसिटी P2 की कैलकुलेट करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करते हैं वो ये होता है कि R2 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। यानी कि वेलोसिटी किसी भी पॉइंट का निकालने के लिए आप तरीका क्या लगा रहे हो, तरीका ये लगा रहे हो कि इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक, अब रोलिंग पे आ जाओ। अब आप रोलिंग पे समझो क्या हो रहा है। क्या रोलिंग में सिमिलर रिजल्ट्स नहीं बन रहा है? कि रोलिंग में हमने बॉटम पॉइंट को एस चूज किया और हमने इसके सर्कमफेरेंस पर एक पी पॉइंट लिया, इसका सेंटर पॉइंट लिया, कोई Q पॉइंट लिया, कोई R पॉइंट लिया, और जब मैंने इनके वेलोसिटीज कैलकुलेट करके देखी तो मुझे क्या दिखा कि पॉइंट P की वेलोसिटी 2R into ओमेगा आई, पॉइंट R की वेलोसिटी रूट 2R into ओमेगा आई, पॉइंट C की वेलोसिटी R ओमेगा आई, और पॉइंट Q की वेलोसिटी रूट 2R ओमेगा आई। जब मैंने ये रिजल्ट्स देखे तो मुझे रोटेशन अबाउट एक्सिस से कुछ सिमिलरिटी दिखने लगी। भाई 2R क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम सम एक्सिस, वर्चुअल एक्सिस विच पासिंग थ्रू पॉइंट एस। एक्चुअल में कोई एक्सिस नहीं है वहां पर, एक्चुअल कोई एक्सिस पॉइंट एस से नहीं जा रही, हमने इमेजिन किया अपने माइंड के अंदर। तो मुझे एक सिमिलरिटी दिखने लगी रोटेशन में और रोलिंग में, क्योंकि रोटेशन में हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो रोटेट करते वक्त वेलोसिटी किसी भी पॉइंट की क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस इंटू ओमेगा, और रोल करते वक्त क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट जब वो रोल कर रहा है तो क्या रिजल्ट बन रहा है? तो ये रिजल्ट बन रहा है कि ये डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम है मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा।
तो हमने ये कहा कि यार ये दोनों रिजल्ट्स तो एक ही जैसे हैं, यानी रोलिंग मोशन और रोटेशन अबाउट एक्सिस एक जैसा रिजल्ट अगर दे रहे हैं तो क्या हम रोलिंग को रोटेशन अबाउट एक्सिस से कंपेयर नहीं कर सकते, जिसमें एक्सिस हमने पॉइंट एस से वर्चुअली मान रखी है। वेलोसिटी के रिजल्ट्स को देख करके वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है सिर्फ उस प्रोसेस में सिमिलरिटी आई है। रोलिंग एक्चुअल में रोटेशन नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, रोलिंग को आप एक्चुअल में ये नहीं कह सकते कि पॉइंट एस पर कोई एक्सिस है और बॉडी घूम रही है वहां से, नहीं। वेलोसिटी के कैलकुलेट करने का जो तरीका रोटेशन अबाउट एक्सिस में लगाया था वैसा ही तरीका हम रोलिंग में लगा सकते हैं अगर हम हाइपोथेटिकली ये मान ले कि एक्सिस पॉइंट एस से पास हुई है। मतलब एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, कोई फिजिकल मतलब नहीं है इसका, जस्ट अ मैथमेटिकल कंसेप्ट है कि वेलोसिटी को एक आसान तरीके से कैलकुलेट करने का तरीका ढूंढा गया है। सिंपल वे में हम किसी पॉइंट की वेलोसिटी को कैसे निकाल सकते हैं, तो सिंपल तरीका यह है कि आप बॉटम पॉइंट से डिस्टेंस उस पॉइंट का मेजर करो और ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो। अब बताओ, अगर अभी भी डाउट हो तो फिर से समझाएंगे। बोलो भाई, वॉइस नहीं आ रही आप लोग की, कंफर्म है तो बताएं यस और नो करें या तो आगे। यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है ना। मतलब रोलिंग इज नॉट एक्चुअली रोटेशन अबाउट द बॉटम एक्सिस, वी आर जस्ट कंपेयरिंग द रोलिंग मोशन एंड रोटेशन अबाउट एक्सिस एंड देन बोथ आर गिविंग द सेम रिजल्ट। बस ये। चलिए जी, नेक्स्ट वेलोसिटी के बाद अब अगला जो मेन टॉपिक इसमें आता है वो ये है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी है ना, थैंक यू। अब अगर ये बातें समझ में आ गई होंगी तो काइनेटिक एनर्जी जल्दी से समझ में आएगा, और 5-6 क्वेश्चंस की सीरीज है एक, आज एनर्जी वाले टॉपिक्स करेंगे। देखो, अभी हम लोगों ने कहा कि दो तरीके हैं रोलिंग को एनालाइज करने के। पहला तरीका क्या है, फर्स्ट वे, सोचना है बच्चा, इसमें एक्चुअल नहीं है, थिंक है, थिंकिंग है आपकी। फर्स्ट वे टू थिंक ऑफ रोलिंग मोशन एज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन अबाउट सेंटर, ये सोच सकते हो आप, ये पहला तरीका। और इसी आइडिया से हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, क्योंकि अगर वो कॉम्बिनेशन है तो प्लस, ट्रांसलेटरी मोशन है तो हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशन अबाउट सेंटर है तो रोटेशन की एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दोनों को मिला देंगे हम यहाँ पर। और इस बेसिस पर हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया, हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला। मतलब जो अभी इतनी मेहनत थी वो मेहनत अब थोड़ी शायद मेरे कल से समझ में आएगी, 100% तो मैं भी श्योर नहीं हूँ, बट रोटेशन और ट्रांसलेशन का जब कॉम्बिनेशन दिखा सकते हैं इसको, तो एनर्जी भी उसी तरीके से निकाल सकते हैं कि रोटेशन वाली एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और ट्रांसलेशन वाली एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों को मिला करके रोलिंग की एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है ये पॉइंट? यस सर, है ना। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या बताया आपको, सेकंड वे, कि आप रोलिंग को ये भी सोच सकते हो, सोचना ही तो है, थिंक ऑफ रोलिंग मोशन एज रोटेशन अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये दूसरा ऑप्शन दिया आपको कि रोलिंग मतलब रोटेशन अबाउट बॉटम पॉइंट, रोटेशन अबाउट एक्सिस थ्रू पॉइंट एस, यानी कि जो बॉटम ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है, तो इसमें सिर्फ रोटेशन की एनर्जी निकालेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ये रोटेशन क्योंकि पॉइंट एस वाली एक्सिस के अबाउट है तो यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एस को यूज किया गया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस का जो पॉइंट एस से पास होगा। ये दूसरा ऑप्शन है कि रोलिंग को दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तरीका जो सिंपल है कि सेंटर ट्रांसलेट कर रहा इसलिए हाफ एम वी सी स्क्वायर, और सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं इसलिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दोनों का कॉम्बिनेशन है तो प्लस लगा दिया। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका,
हम सिर्फ ये मान सकते हैं कि बॉडी अपने बॉटम पॉइंट के अबाउट वर्चुअली रोटेट कर रही है, कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो सिर्फ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ये जो आई है वो बॉटम वाली एक्सिस के अबाउट है, इसके पहले वाले फॉर्मूले में जो आई यूज करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट है, और नए इस सेकंड तरीके में सेकंड वे के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करना है बॉटम वाली एक्सिस के अबाउट। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओगे सेम आंसर आएंगे जो फॉर्मूला यूज। हाँ सर, पहले वाले तरीके में सर सेंटर ऑफ मास के अराउंड आई तभी होगा ना जब यूनिफॉर्म होगा सब। दिखा देता हूँ, रुक तो जाओ, ये दो ऑप्शन है, मैं करके दिखा देता हूँ। पहला प्रॉब्लम लो काफी देर बाद, इसमें एक बॉक्स स्लाइड कर रहा है विथ वेलोसिटी वी, और दूसरे केस में एक स्फीयर है जो कि रोल कर रहा है सेम स्पीड से वी से, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी अगर आप बॉक्स की निकालते हो और काइनेटिक एनर्जी हम स्फीयर की निकालते हैं, तो बॉक्स सिर्फ स्लाइड कर रहा है मतलब कोई रोटेशन नहीं है उसमें, तो बॉक्स की एनर्जी सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन स्फीयर रोल कर रहा है, रोल मतलब ट्रांसलेशन भी है प्लस रोटेशन भी है, तो फिर जब रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो क्योंकि वो ट्रांसलेट कर रहा है और साथ में रोटेशन भी है सेंटर के अबाउट, तो दूसरी एनर्जी यहां पर हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट इनटू ओमेगा स्क्वायर। अब रिकॉल करो स्फीयर के केस में आईसी की क्या वैल्यू, 2/5 mR² और v इक्वल टू आर ओमेगा भी लिखोगे क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, v इक्वल टू आर ओमेगा, पूरा क्या रिजल्ट आएगा ये बताओ, mv² / 5 हो जाएगा वो, पूरा रिजल्ट बताओ। ओमेगा को हटाना है यहाँ से, ओमेगा को हटा करके वी लाना है वहां पर, 6/5 mR² ना, ध्यान से करो ये आंसर बन 7/10 mV² मतलब यहाँ पर 0.5 mV² आंसर है, यहाँ पर 0.7 mV² आंसर है। सेम मास सेम स्पीड, लेकिन स्फीयर में ज्यादा एनर्जी है क्योंकि वो रोल कर रहा है। और एग्जांपल दिखाते हैं आपको, यहां पर एक सॉलिड स्फीयर, एक डिस्क और एक रिंग, सबके मास m है, सबकी रेडियस r है और सबको रोलिंग की गई है और सबके स्पीड v है, तो विच ऑब्जेक्ट विल हैव ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी एंड विच हैज द लीस्ट वन, सब रोल कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी जब आप स्फीयर की कैलकुलेट करोगे और रोलिंग का एग्जांपल लगा रहे हो तो एक टर्म हाफ एम वी स्क्वायर का और एक टर्म हाफ आई स्फीयर वाले केस में 2/5 mR² और ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना ओमेगा को आप रिप्लेस कर लेना वी अपॉन आर से। काइनेटिक एनर्जी डिस्क की कैलकुलेट करेंगे तो भी सेम रिजल्ट है, हाफ एम वी स्क्वायर ट्रांसलेटरी प्लस हाफ मोमेंट ऑफ एनर्जी है इसका, डिस्क का मोमेंट ऑफ एनर्जी लगाएंगे mR² / 2 ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी अगर रिंग की कैलकुलेट करनी है इस केस में तो भी ट्रांसलेटरी वाला पोर्सन सबके लिए एक जैसा होता है, हाफ मोमेंट ऑफ एनर्जी रिंग के केस में mR² / ओमेगा स्क्वायर। इन सबको जब पूरा पूरा कैलकुलेट करोगे टोटल इन सबको तो स्फीयर वाले का 0.7 mV² आएगा, 7/10 mV² आएगा, ये 0.75 mV² आएगा, एक बार कंफर्म कर लेना, और ये दूसरा वाला mV² आएगा, चेक कर लेना ओमेगा को हटाने के बाद, ओमेगा हटाने के बाद एक बार वैल्यू चेक कर लीजिएगा। यस सर सही है। Yes, sir. तो सबसे ज्यादा किसका हुआ फिर? शुभांकर जी आंसर गलत हो गया तुम्हारा, जल्दीबाजी कर बस भाई हम कंपेयर कर लेते। रिंग में सबसे ज्यादा है और सबसे कम है स्फीयर के अंदर। और एग्जांपल देखो, इस क्वेश्चन में एक मास एम का डिस्क है और उसके ऊपर एक पार्टिकल को ग्लू से पेस्ट कर दिया गया है, ठीक है, मास m glued to the rim of the disc, अलग से एक पार्टिकल चिपका दिया उसके डिस्क पे, दोनों के मासेस बराबर है और सेंटर की वेलोसिटी v है, तो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तीन चार पार्ट्स है, पहला तो है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, एक एक करके चलते हैं।
तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम का क्या मतलब हुआ यार? मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम मतलब डिस्क और काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल हमने चिपकाया है इसके ऊपर। अब जब डिस्क की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, डिस्क की काइनेटिक एनर्जी, तो ध्यान रखना है इसके दो दो पार्ट्स लिखोगे क्योंकि ये रोलिंग में है, तो इसका एक पार्ट हाफ एम वी स्क्वायर और एक पार्ट इसके रोल करने रोटेशन वाली, तो वो एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा स्क्वायर। और जो ग्लूड पार्टिकल है इसकी, तो एक पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी का तो एक ही फॉर्मूला होता है यार, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम और वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल का स्क्वायर। अब ये पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर है। अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि जब बॉडी रोल करती है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के एग्जांपल्स होते हैं, तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट का उसकी वेलोसिटी सेंटर से डबल होती है, 2vc होती है। इसका मतलब ये जो ग्लू किया हुआ पार्टिकल है जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर लगाया है, इसकी वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ vc लिखी जाएगी। तो यहाँ पर इसमें हम टू टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये टॉप पॉइंट पर ग्लू किया गया। अगर इसको किसी और पॉइंट पर चिपकाते तो कुछ और वेलोसिटी होती। तो पार्टिकल को आप कहां पर पेस्ट कर रहे हो, लोकेशन के हिसाब से उसकी वेलोसिटी होगी। और फिर अब इसका पूरा इन तीनों को ऐड कर दूं। और आपने वो v पार्टिकल का स्क्वायर फिर 2v स्क्वायर लिखा है। अरे यार वो एक्चुअली मतलब इसको हम अगले स्टेप पर करना चाह रहे थे, एक्चुअली हाफ एम और पार्टिकल की वेलोसिटी को हम 2v लिखना चाह रहे हैं। अब ये टोटल और ओमेगा को v / r से रिप्लेस करके क्या आंसर बनेगा पूरा बताना जरा, पहले पार्ट का आंसर पूरा सिंपलीफाई करके। 2.75 mv² ठीक है, ये पहला आंसर आया। अब दूसरा पार्ट, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। देखो पहले तो आप ये निकालो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहां पर होगी इसमें। सबसे पहले तो ये निकालिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां होगी। और सेंटर ऑफ मास जब आर्टिकल पढ़ाया गया था तो दो ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे अगर दोनों सेम मास के हैं, तो डिस्क का मास भी एम है। हाँ जी, कहाँ पर होगा कुछ बता पाएंगे, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सर मिड पॉइंट पे होगा, डी बाय टू डिस्टेंस पर जॉइन करने वाली। मतलब डिस्क के सेंटर और टॉप पॉइंट के बिल्कुल मिड पॉइंट होगा ना, क्योंकि सेम मासेस हैं ये। तो सेंटर ऑफ आर बाय टू कहाँ से? सेंटर से। सेंटर से। आप सुनना ध्यान से, यहां पर सेंटर ऑफ मास है तो ये पॉइंट की क्या स्पीड होगी, इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी? सुनो अब, तो अभी आपसे कहा था कि जब रोलिंग हो रही होती है तो किसी भी पॉइंट की स्पीड को दो पार्ट्स में ब्रेक करके निकालो। अगर हम सिर्फ ट्रांसलेशन को फोकस करें तो सेंटर ऑफ मास की वही स्पीड होगी जो कि सेंटर की है वी, ट्रांसलेट करने की वजह से। और क्योंकि स्पिन भी हो रहा है, बॉडी रोटेट भी कर रही है अपने सेंटर के अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास की एक और वेलोसिटी होगी स्पिन वाली वेलोसिटी, जो कि डिस्टेंस इनटू ओमेगा का प्रोडक्ट होगा। ये बात समझ में आ रही है? दो वेलोसिटी क्यों दिखाई गई है वहां पर, एक वेलोसिटी बॉडी के ट्रांसलेट करने की वजह से और एक वेलोसिटी जो हम दिखा रहे हैं वो बॉडी के स्पिन करने की वजह से। दोनों चीजें हो रही हैं तो दो वेलोसिटीज हर एक पॉइंट के अंदर आएंगी, सेंटर को छोड़ करके, बिकॉज सेंटर सेंटर सीधा चल रहा, सेंटर के अलावा किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी में दो दो वेलोसिटीज रहेंगी, एक ट्रांसलेटरी दूसरा रोटेशनल वेलोसिटी। ये बात आ रही समझ में? जी सर। ओके, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, आर बाई टू अबव सेंटर, पोजीशन के हिसाब से उसकी वेलोसिटी निकाल ली, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड कर ली, वो v प्लस आर ओमेगा बाई टू हो गई, जिसमें आर ओमेगा और v बराबर है, यानी कुल मिलाकर के ये 3v बाई टू हो गया। तो अब हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये हो जाएगा हाफ। सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है वो वर्चुअल पॉइंट जिसके ऊपर आप टोटल मास मानते हो, तो टोटल मास हमारे पास है 2m है,
और सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी कैलकुलेट की गई है उसका स्क्वायर, यानी हाफ 2m और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 3v/2 का स्क्वायर, ये इसके सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी है। और तीसरा पार्ट क्वेश्चन का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मुझे पता नहीं कि तुम लोगों ने इस पर प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज किया है या नहीं किया है, लेकिन वहां पर सेंटर ऑफ मास के ही लेक्चर में एक रिजल्ट बताया गया था कि किसी भी सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की, और प्लस काइनेटिक एनर्जी उस पूरे सिस्टम की जब हम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। हाँ, ये सेंटर ऑफ मास के लेक्चर में बताया गया है रिजल्ट। यस सर। यस सर। तो सिस्टम की एनर्जी हम लोगों ने कैलकुलेट की है 2.75 mv² पहले पार्ट में, सेंटर ऑफ मास की एनर्जी यहाँ से बन रही है 2 कैंसिल हो जाएगा mv² 9/2.25, और तीसरा पोर्शन आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। सेल्फ जनरेटेड क्वेश्चन से ध्यान देना, ये किसी बुक में नहीं मिलेंगे तुम्हें। इसको बार बार रिवाइज करिएगा। सर एक बार ये पोजीशन ऑफ COM r/2 above c कैसे, तो फिर से ये बच्चा सेंटर नहीं, सॉरी बच्चा, हम बता सकते हैं लेकिन ये हम इसलिए नहीं बताना चाह रहे हैं कि आप खुद सेंटर ऑफ मास को रिवाइज करें कि दो एक्सटेंडेड बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है। मैं बताने को बता सकता हूँ आप लोग रिवाइज नहीं करोगे, मतलब अभी आप मेरे को गाली दोगे कि नहीं बता रहे तो ठीक है, कोई चलेगा, वो हो जाएगा सर, लॉन्ग टर्म में वही फायदा करेगा ना, मैं जानबूझ के तो जहर नहीं दे सकता किसी को। अगला क्वेश्चन, हाँ जी सर, एक डाउट था सर उसमें, सर उसमें r by 2 ओमेगा का डायरेक्शन वही होगा पैरेलल टू ग्राउंड। हाँ, क्योंकि जब देखो जिस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास है वहां पर अगर आप एक सर्किल बना करके टेंजेंट बनाओ तो कहाँ आएगा, यहाँ पर सर्किल बना के टेंजेंट बना लो उसका। जी ओके सर, ठीक है नेक्स्ट। सर यहाँ पे वो इंस्टेंटेनियस से भी देख सकते हैं, वो भी एक लॉजिक है, मैं उसको यूज नहीं करना चाहता है, उसको यूज करेंगे तो कंफ्यूजन होगा खाली, मैं एक ही मेथड को पकड़ के हम पूरा चैप्टर निपटाएंगे, बता दिया लेकिन यूज नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में एक डिस्क है जो कि रोल करके ऊपर जा रहा है, तो यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास एम रेडियस आर, प्योर रोलिंग मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, फ्लैट सरफेस पे है जो कि ग्रेजुअली चेंज हो रहा है एक रफ कर्व सरफेस पे, और डिस्क इज ऑलवेज इन स्टेट ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, हमेशा ही मतलब ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब ये है कि v इक्वल टू r ओमेगा एट ऑल इंस्टेंट्स एट ऑल मोमेंट्स, किसी भी समय v इक्वल टू r ओमेगा होना चाहिए। इसका एनर्जी कंजर्व कर देंगे। हाँ देखो, इसका ये मतलब नहीं कि v और ओमेगा कांस्टेंट है, देखिए इस लाइन का मतलब समझो, ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रोलिंग मोशन का मतलब ये नहीं है कि v और ओमेगा बदल नहीं रहे, v भी चेंज होगा ओमेगा भी चेंज होगा, लेकिन दोनों इस तरीके से चेंज होंगे कि v और r ओमेगा का रिलेशन हमेशा बराबर का ही रहेगा, मतलब v भी हमारा वेरिएबल है, ओमेगा भी वेरिएबल है, लेकिन दोनों वेरिएबल्स इस तरीके से वेरी करेंगे कि इक्वेलिटी हमेशा होल्ड करती रहेगी, मतलब कि अगर एंगुलर स्पीड 10% कम होगी तो v भी 10% कम हो जाएगा, एंगुलर स्पीड 50% कम हो जाएगी तो v भी 50% कम हो जाएगा, ये इसका मतलब है ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, कांस्टेंट कहाँ बोला मैंने यार। अब मैक्सिमम हाइट, तो कोई ऑब्जेक्ट जब अपने मैक्सिमम हाइट पर होगा तो नेचुरल से बात है उसकी वी जीरो होगी, और क्योंकि वी इक्वल टू आर ओमेगा हर मोमेंट के लिए दिया जा रहा, हर मोमेंट के लिए, तो जिस मोमेंट पर वी जीरो उस मोमेंट पर ओमेगा दोनों जीरो हो जाएंगे। अब हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने आपसे कहा था कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में फ्रिक्शन अगर होगा भी तो स्टैटिक होगा, उससे एनर्जी डिसिपेट होती रही है, इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे
तो उसके लिए पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में क्या काइनेटिक एनर्जी है। तो ये डिस्क है, काइनेटिक एनर्जी के दो पोर्शन आएंगे, ट्रांसलेटरी पोर्शन, रोटेशनल पोर्शन, जिसको अभी हम लोगों ने कई बार कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये सिंप्लीफाई होकर 0.75 यानी 3/4 mv² आता है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर के काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो, लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ऐड हो जाएगी mgh की, और एनर्जी कंजर्व करा के इसका आंसर ला सकते हो कितना आएगा। हाँ जी आइए, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से कोई वर्क नहीं होगा, इस वजह से एनर्जी कंजर्व कराई गई है। यानी कुल मिलाकर के हाइट की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 3v² / 4g इसका आंसर आ जाएगा। Yes, और सर मतलब सर पोटेंशियल एनर्जी सर वो सेंटर ऑफ मास से लेते हैं ना सर उसका रेफरेंस। तो हाइट में तो सेंटर, फिगर देखो ना, फिगर में सेंटर टू सेंटर ही हाइट ली गई है। आप फिगर पे फोकस करो, जो h दिखाया है वो सेंटर से सेंटर ही दिखाया है, मतलब कि सेंटर h हाइट ऊपर गया है। ओके सर, डॉटेड लाइन नहीं दिख रही फिगर में, देखो डॉटेड लाइन सर। इनका आउटकम भी लिख दिया है, जो आपका डाउट है ना, मैंने आज इस नोट्स में ये भी बना रखा है आउटकम्स क्या है, कि डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन एंड नो लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अकर्स बिकॉज द कॉन्टैक्ट पॉइंट इज एट रेस्ट रिलेटिव टू द सर्फेस, हेंस नो वर्क बाय फ्रिक्शन, इस वजह से कराया है। ये बात समझ में आई आपको, बताओ? यस सर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, ये जो कर्व सरफेस है वहां से फ्रिक्शन हटा दिया है, स्मूथ कर्व सरफेस ले लिया है, पहले वाले में फ्रिक्शन था, इसमें फ्रिक्शन नहीं है। और आपको एक कंसेप्ट रिकॉल कराए, रोटेशन में हम लोगों ने पढ़ा था टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा, और अल्फा को कहते हैं डी ओमेगा अपॉन डीटी। एक बार नोटिस करो, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? पहला फोर्स नॉर्मल रिएक्शन का Mg, जो और उसके सेंटर से पास होगा। दूसरा फोर्स Mg, सेंटर से पास होगा, बस यही दो। तो क्या आएगा टॉर्क अबाउट सेंटर, क्योंकि रोटेशन अबाउट सेंटर है ना, तो टॉर्क अबाउट सेंटर है जीरो, दोनों फोर्सेस, दोनों फोर्सेस सेंटर से जा रही है। शुभंकर जी हां, रुकियो, यानी कि अल्फा जीरो, अल्फा जीरो मतलब ओमेगा कांस्टेंट, यानी इस केस में बॉडी का ओमेगा नहीं बदलेगा, जिस ओमेगा से वो पहले था मैक्सिमम हाइट पर भी वही ओमेगा रहेगा, लेकिन सेंटर की जो वेलोसिटी वी है वो जीरो हो जाएगी। यानी क्या ये प्योर रोलिंग में बना रहा या प्योर रोलिंग अब नहीं रहा इसमें? हॉरिजॉन्टल सरफेस पर तो वो प्योर रोलिंग पे है, अब नहीं है। तो क्या है, स्किड या स्लिप? स्लिप, स्लिप हो रहा है। हाँ, यहाँ पर बॉडी स्लिप हो रही होगी, क्योंकि रोटेट तो कर रही है लेकिन चल नहीं कर रही, बट आगे नहीं बढ़ रही। हाँ, लेकिन फ्रिक्शन नहीं है, तो हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब लिखेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में इसकी ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी भी लिखेंगे और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी लिखेंगे। सर मतलब ऐसे केसेस में सर रोटेशन हो सकती है? हाँ, अगर इनिशियल मोमेंट पे है तो। हाँ, हो सकती है। बाद में काइनेटिक एनर्जी जब लिखेंगे तो ट्रांसलेटरी जीरो हुआ है, रोटेशनल जीरो नहीं हुआ है, तो हाफ एम आर स्क्वायर बाई टू ओमेगा स्क्वायर बाद में भी रहेगा। ट्रांसलेशन खत्म हो गया, रोटेशन बना रहा, क्योंकि रोटेशन ओमेगा बदलने के लिए कुछ है ही नहीं, अल्फा नहीं आ रहा इसमें, टॉर्क नहीं आ रहा कोई। और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिखेंगे तो वो mgh लिखेंगे और फिर एनर्जी कंजर्व कराएंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी और प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, चेक करना, इससे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा v² / 2g का। ये अप्रोच हमने लास्ट क्वेश्चन में क्यों नहीं लगाई? वहाँ रोलिंग दिया हुआ है क्वेश्चन में, यही तो कहानी फंसती है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, इफ द डिस्क इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, यही मैं समझाना चाह रहा था।
रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑलवेज, तो जहां पर वी जीरो वहां ओमेगा भी जीरो होना पड़ेगा। अब ये लाइन अगले क्वेश्चन में है ही नहीं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात करो, इस क्वेश्चन में ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी मैंने, कहां लिखा है कि इट इज ऑलवेज इन द रोलिंग सेट इन द प्योर रोलिंग, मतलब बिगिनिंग में प्योर रोलिंग है, आगे प्योर रोलिंग रहेगा कि नहीं रहेगा हमें क्या पता, मतलब कि आगे हो सकता है स्लिपिंग हो जाए, आगे हो सकता है स्किड कर जाए, मतलब आगे v लेस देन आर ओमेगा भी हो सकता है, v मोर देन आर ओमेगा भी हो सकता है। बोलो। एंड सो वो फ्रिक्शन की वजह से कोई चेंज स्पेसिफिकली नहीं, फ्रिक्शन देखो फ्रिक्शन के होने से ना होने से क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन है तो स्टैटिक है, पर वो अल्फा का फर्क पड़ रहा है, हाँ, है मतलब कि नहीं है, अल्फा बदलने में काम आता है वो, वैसे एनर्जी कंजर्वेशन में फ्रिक्शन का कोई काम नहीं बचा, फ्रिक्शन नहीं है तो भी एनर्जी कंजर्व है और है तो भी हमने कंजर्व कराई है, इसीलिए आपका आउटकम पॉइंट लिखा है कि डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन नो लॉस ऑफ एनर्जी, बिकॉज फ्रिक्शन से वर्क ही नहीं हो रहा वहां पर भाई। रोलिंग प्योर रोलिंग में जो आप फ्रिक्शन दिखा रहे हो वो तो स्टैटिक वाला दिखा रहे हो ना, इसका वर्क होता ही नहीं, क्योंकि जिस स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब वो नीचे वेलोसिटी जीरो आ जाए, और याद करिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर मतलब रेट ऑफ वर्क डन, डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या बोलते हो, फोर्स डॉट वेलोसिटी, तो फ्रिक्शन फोर्स तो है, फोर्स प्रेजेंट है, लेकिन जिस पॉइंट पर ये फोर्स है वहां पर वेलोसिटी जीरो है, तो अगर हमारा फोर्स नॉन जीरो है लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है तो पावर जीरो हो गई, मतलब वर्क डन का रेट जीरो हो गया, यानी कि वर्क ही नहीं होगा वहां पर कोई, तो फ्रिक्शन की प्रेजेंस और एब्सेंस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में फर्क नहीं डाल रही है, लेकिन फ्रिक्शन टॉर्क में इफेक्ट आ रहा था, टॉर्क यानी कि ओमेगा के चेंज होने में उसका इफेक्ट है कि ओमेगा बदलेगा कि नहीं बदलेगा। आई बात समझ में कि नहीं अभी? यस सर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लेकर के वेलोसिटी के, मतलब आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ वेलोसिटी और एनर्जी तक ही रख रहे, अच्छे से इसको पूरा रिवाइज करके बहुत अच्छे से, मतलब अच्छे से नहीं बहुत ही अच्छे से, दो बार तीन बार अपना नोट्स बनाइए, किताब पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, ये नोट्स पढ़ो, मतलब बहुत थॉरली इसको पढ़ करके और बिल्कुल दिमाग में बिठाइए आप इसको, क्योंकि जो हमारा अगला लेक्चर होगा अब उसमें हम करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन का कंसेप्ट, एक्सेलरेशन के प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद ट्रेजेक्ट्री पढ़ेंगे, साइक्लॉयड ट्रेजेक्ट्री बताएंगे आपको, उसके बाद फोर्स और टॉर्क की वर्किंग बताएंगे, और बहुत सारे एग्जांपल्स करने हैं हमको अगले क्लास में फोर्स और टॉर्क के ऊपर। मैं बार बार कह रहा हूँ रिवीजन नहीं होगा तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला क्लास करने का, आप वेस्टेज ऑफ टाइम है आपके लिए। जितना मतलब जितना तक अपने आज पढ़ाया है उस पे आप थोड़े मतलब कंसेप्चुअल सवाल भेज सकते हैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एक सेकंड, हाँ भेज सकता हूँ सर, जो मतलब कंफ्यूज करते हैं जनरली।